Hello everyone, welcome on Exampur and welcome on new current affair classes। आज की जो क्लास है 6 जनवरी की करंट अफेयर पर फोकस्ड है। आज की क्लास में हम कुछ नया और इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। जैसे जो कल का करंट अफेयर की क्लास हुई है उस करंट अफेयर्स में से कुछ एमसीक्यूज आज हम प्रैक्टिस करेंगे सो दैट ये देखने के लिए कि आपने कल कितना अटेंटिवली इस क्लास को अटेंड किया था, ठीक है। और कुछ करंट अफेयर और मेंस पर एक सिंपल आंसर राइटिंग आज लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा आंसर्स के नेचर को इवैल्यूएट करते हुए आगे और चेंजेस उसमें डेवलप करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम कुछ एमसीक्यूज जो आज के करंट अफेयर पर और कल के करंट अफेयर पर बेस्ड होंगे। कल से आपका जो करंट अफेयर होगा वो एक दिन पीछे के एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे ताकि वो आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। कल का जो करंट अफेयर के टॉपिक आपने स्टडी किया है वो भी आपका रिवीजन हो जाए और उस पर बेस्ड मेंस में किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है थोड़ा थोड़ा पहले सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा फोकस जो है एमसीक्यूज पर रहेगा, प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगा क्योंकि 2021 में पहले प्रीलिम्स होगा बाद में मेंस होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन मेंस में भी थोड़े से देखते चलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो डेवलप होती रहे, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, प्रिपरेशन के इनिशियल फेज से ही आपको क्या करना है, रीड रिवाइज रिप्रोड्यूस, ठीक है। पढ़ना है, रिवीजन करना है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, सिंपी शुक्ला हेलो, आर हेलो, जय हिंद, सुमित तिवारी जय हिंद भाई, जय हिंद, ठीक है, जय हिंद की सेना। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर आ रहा है वो करंट अफेयर रिलेटेड है। इंडिया ने एक नया डील किया है जिसमें वो लिथियम के इंपोर्ट को बढ़ाएगा। लिथियम का जो इंपोर्ट है अर्जेंटीना से, ठीक है, वो करेगा। इसको लेकर के एक नया डील साइन हुआ है। सो इंडिया टू एक्सप्लोर लिथियम रिजर्व इन अर्जेंटीना, ठीक है। अब क्यों लिथियम पर फोकस किया जा रहा है, क्यों इंडिया जो है ना लिथियम का इंपोर्ट बढ़ा रहा है, लिथियम की क्या इंपॉर्टेंस है, लिथियम कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है, लिथियम को लेकर के क्या क्या पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, इसको हम यहाँ पर एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो इंडिया हैज इंक्ड अ पैक्ट, इंडिया ने एक पैक्ट किया है जिसमें वो अर्जेंटीना के साथ में वहाँ पर एक ज्वाइंट प्रोस्पेक्ट जो लिथियम एक्सप्लोरेशन का काम वहाँ पर करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडिया ने किसके साथ किया है, अर्जेंटीना के साथ किया है, जिसमें वो अर्जेंटीना में जो लिथियम रिजर्व हैं उनको एक्सप्लोर करने का काम करेगा। इट इज़ अ ज्वाइंट वेंचर, मिलकर के इनको काम करना है। तो अगर हम साउथ अमेरिका को देखें, अर्जेंटीना कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, तो यहाँ पर अगर हम साउथ अमेरिका का मैप देखें तो ये रीजन, इस रीजन में कौन से माउंटेन है, इस रीजन में जो माउंटेन है वो एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन का ये वाला रीजन जहाँ पर 3 कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, चिले और बोलीविया, ठीक है। अर्जेंटीना, चिले एंड बोलीविया, इन तीनों का ये जो जंक्शन वाला एरिया है यहाँ पर दुनिया में सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लिथियम के रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अमाउंट लिथियम के रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इन 3 कंट्री को, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिले को, इनको बोलते हैं लिथियम ट्राइपेटाइट, ठीक है। तो ये लिथियम ट्रिपलेट है जहाँ ये 3 कंट्री में दुनिया का सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है। इस एरिया में लिथियम के रिजर्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें जो इंडिया है वो ऑलरेडी बोलीविया के साथ में पैक्ट कर चुका है। बोलीविया के साथ में इन्होंने अप्रैल 2019 में पैक्ट किया था बोलीविया से, बोलीविया में लिथियम के एक्सप्लोरेशन और वहाँ से लिथियम को भारत में इंपोर्ट करने का। अब अर्जेंटीना के साथ में ये किया गया है और इन फ्यूचर यही पॉलिसी गवर्नमेंट की चिले के साथ भी लिथियम के इंपोर्ट को लेकर के है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं लिथियम की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मूव क्यों लिया गया है, ठीक है। तो अगर हम प्रेजेंटली देखें तो गवर्नमेंट किस पॉलिसी को बढ़ावा दे रही है। गवर्नमेंट जो है इस टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा दे रही है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ है वो टोटल व्हीकल का केवल 2% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज़ होता है। 2030 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसे 40% तक इंक्रीज किया जाए। 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज़ जो है वो कितना पहुंचाया जाए, 40% तक टोटल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो यूज है वो बढ़ाया जाए। तो करेंटली इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन, इंडिया जो है लिथियम को लेकर के क्या है, हेविली डिपेंडेंट है किस पर, इंपोर्ट पर। ठीक है, भारत में याद रखिए, भारत में अगर स्टेटमेंट आता है कि भारत में लिथियम के बड़े रिजर्व पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, भारत में लिथियम के रिजर्व नहीं है, भारत में लिथियम की कोई एक्टिव माइन नहीं है। ठीक है, कोई भी एक्टिव माइन लिथियम की भारत में नहीं पाई जाती है। सो इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट ऑफ लिथियम, द इंपोर्ट ऑफ लिथियम सेल्स। ठीक है, अभी हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, लिथियम आयन सेल्स क्या होते हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इन चीजों का जो है ना इंडिया बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है, और ये जो लिथियम सेल का इंपोर्ट है ये सबसे ज्यादा इंडिया में चाइना से होता है। ठीक है, जितना भी सेलफोन्स आप यूज करते हैं, सेलफोन्स में जो बैटरीज हैं वो लिथियम आयन बैटरीज हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो लिथियम आयन का प्रयोग होता है वो बैटरी बनाने में किया जाता है, और लिथियम भारत में पाया नहीं जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है, इट इज बट नेचुरल कि हम लिथियम का क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। हमको लिथियम क्या करना पड़ेगा, ले करके आना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लिथियम की सेल्स जो है वो बड़ी मात्रा में चाइना से इंपोर्ट करते हैं, ज्यादातर सेलफोन कंपनीज जो है वो चाइना की हैं, तो ज्यादातर लिथियम सेल, लिथियम आयन सेल जो है वो चाइना से आता है। अब रॉ मटेरियल भी जो है वो चाइना से बड़ी मात्रा में आता है। अब भारत और चाइना को अगर हम देखें तो भारत क्या है, ठीक है, भारत, सिंपी शुक्ला थैंक यू सो मच, आपको अच्छी क्लास लग रही है, बढ़िया से बैठिए, पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए। ठीक है, तो भारत और चाइना का आप देखें तो कई जगहों पर बॉर्डर एरिया में टसल चल रहा है। भारत ने आत्मनिर्भर पॉलिसी जो है वो अपनाई है चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए। ठीक है, तो उसी का एक हिस्सा है कि हम चाइना से अपने इंपोर्ट को क्या करें, डाइवर्ट करके दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ में ये करें। इसी को लेकर के एक मूव जो है वो अर्जेंटीना के साथ लिथियम के एक्सप्लोरेशन का समझौता है। ठीक है, इंडिया इज सीन एज अ लेट मूवर। लेट मूवर का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मार्केट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मार्केट है, ये मार्केट बहुत तेजी से फ्लरिश कर रहा है, एक्सप्लोर हो रहा है। ठीक है, तो अब जब ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत को भी लिथियम सेल खुद से मैन्युफैक्चर करने होंगे। ठीक है, लिथियम के इस सेक्टर में भारत को एंटर होना होगा, बड़ा मार्केट शेयर भारत को ग्रैब करना होगा, तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा। पर क्या हुआ है, टेस्ला जैसी कंपनी, टेस्ला जो है, टेस्ला इलॉन मस्क की कंपनी है, इलॉन मस्क जो है इन्होंने टेस्ला कंपनी के माध्यम से एक रेवोल्यूशनरी काम किया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेक्टर में। अब टेस्ला कंपनी अपनी कारों को लेकर के भारत में भी आ रही है, बहुत जल्दी टेस्ला जो है अपनी कारें भारत में भी बेचने लगेगी। टेस्ला इज़ बेसिकली फेमस फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, और स्पेस एक्स अपने रॉकेट्स वगैरह के लिए भी टेस्ला फेमस है। तो चूँकि ये जो कंपनीज़ हैं ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रही हैं, क्योंकि ये मार्केट जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर हम देखें तो 2014 में, अभी मैं आपको कुछ ग्राफ्स दिखाऊंगा, 2014 में जो लिथियम आयन बैटरीज हैं या लिथियम से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं, इनकी डिमांड बहुत कम थी, बिल्कुल ना के बराबर थे। ठीक है, पर अगर अभी हम देखें तो इनका डिमांड जो है वो पहले से 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो क्या है कि अब भारत क्या है इसमें पीछे आ चुका है। अभी तक भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लेवल की हो, कोई ऐसी कंपनी नहीं है। जो भी कंपनीज हैं वो भारत की नहीं है। अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है उनका तो भारत की नहीं है, वो भारत के बाहर की है। तो इंडिया जो है ना इसमें क्या है, लेट मूवर है, और इस सेक्टर में इंडिया को ज़्यादा मेहनत करके आगे आने की ज़रूरत है। इस वजह से ये समझौता किया गया। देखिए जितने भी ऐसे समझौते किए जाते हैं उनके एस्पेक्ट आप ध्यान रखिएगा, ये समझौते क्यों किए जा रहे हैं, ये किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। तो प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लिथियम है नहीं, हमारी ज्यादा डिपेंडेंस किस पे है, चाइना के ऊपर है। बड़ा हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है चाइना से लिथियम आयन बैटरी खरीदने में चला जाता है। ज्यादातर कंपनीज जो है वो लिथियम आयन बैटरी सप्लाई करने वाली फॉरेन की कंपनीज हैं, तो हमारा जो रेवेन्यू है वो इस सेक्टर से बिल्कुल जनरेट नहीं होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये जो है इंडिया ने ये समझौता किया है। ठीक है, एंड 2021 इज लाइकली टू बी, एंड क्या होगा 2021 जो है, अगर आप देखिए तो इस कोरोना पीरियड में क्या हुआ है, इस कोरोना पीरियड में क्या हुआ है कि बहुत सारा इंडस्ट्रीज जो है वो बंद रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो एनवायरनमेंट क्या हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। ठीक है। इन्वायरमेंट जब बिल्कुल साफ सुथरा हो गया तो ह्यूमन को ये पता चला कि साफ सुथरे इन्वायरमेंट के हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं। हमने भी उस समय बेहतर हवा दिल्ली में महसूस की। दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन था वो बिल्कुल ना के बराबर था। पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कैसा है, वो गुड लेवल पर है, ग्रीन सिग्नल दे रहा था। ठीक है, तो इस कोरोना पीरियड में लोगों को ये रियलाइज हुआ कि अगर फैक्ट्रीज अगर एमिशन बंद हो, मोटर व्हीकल्स वगैरह चलने बंद हो तो इन्वायरमेंट कितना साफ हो सकता है। तो हमको भी एक आदत लगी कि बेहतर इन्वायरमेंट क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। अब उस दिशा में लोगों का भी ये डिमांड रहेगा कि उस तरीके का बेहतर एम्बियंट एयर क्वालिटी जो है वो उनको मिले। अब वो गवर्नमेंट से इस तरीके की डिमांड करेंगे और गवर्नमेंट ने भी ये रियलाइज़ किया कि बेहतर एयर क्वालिटी जो है वो कई सारे हेल्थ बेनिफिट लेकर के आती है और मेडिकल एक्सपेंसेस को कम कर देती है, जो आपके मेडिकल खर्चे हैं उनको भी कम कर देती है। तो इसलिए 2021 से हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि इनसे जो है पॉल्यूशन वगैरह जनरेट नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट करना है तो हमको लिथियम आयन बैटरी चाहिए, उसके लिए लिथियम चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, निकल चाहिए, इस तरीके के तमाम मटेरियल वगैरह चाहिए होते हैं और उस सेल को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हमको चाहिए। ठीक है, तो इन सब के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लिथियम चाहिए। मच्छर मारने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, मच्छर मारने के लिए सबसे पहले मच्छर चाहिए होता है। ठीक है, उसी तरीके से लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, ठीक है, सबसे पहले हमको चाहिए लिथियम। तो हम लिथियम का इंपोर्ट करेंगे, भारत में चूंकि है नहीं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, इसका इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। अब इंपोर्ट हम चाइना से क्यों करें, चाइना से हमारा टसल चल रहा है, चाइना जो है हमारे लिए एक हॉस्टाइल कंट्री है, हमारे बॉर्डर एरिया में डिस्प्यूट है, तो हम चाइना से क्यों करें, हम उन कंट्रीज से करें जो हमारे लिए फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। अब फ्रेंडली कंट्रीज़ में जहाँ पर यूरेनियम भी बड़ी मात्रा में होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ से आप इंपोर्ट करें तो अधिक उत्पादन से इकोनॉमी ऑफ स्केल मीट आउट हो, मतलब जब अधिक उत्पादन होता है तो उसका कॉस्ट जो है वो कम होता है। तो इसको लेकर के अगर हम देखें तो इंडिया इज रेडी टू ज्वाइन द ग्लोबल रेस ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक मिनरल है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं, लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, दीज मिनरल्स किस में यूज़ होते हैं, बैटरी बनाने में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए, स्मार्टफोन वगैरह बनाने में, लैपटॉप्स बनाने में, डिफेंस एंड स्पेस टेक इक्विपमेंट्स। इसरो ने भी लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करके कुछ स्पेस क्राफ्ट वगैरह डेवलप करने का प्रयास कर रही है। तो भविष्य में ये जो लिथियम बैटरीज हैं वो स्पेस सेक्टर में भी यूज़ होंगी। ठीक है, सो इससे क्या होगा, भारत ने, मैंने अभी बताया कि 2030 तक ये टारगेट रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको जो व्हीकल हैं वो लिथियम आयन बैटरी बेस्ड होंगे। इससे क्या होगा, एमिशन कम होगा, इन्वायरमेंट साफ सुथरा होगा, इन्वायरमेंट साफ सुथरा होगा तो लोगों को हेल्थ डिजीजेज जो लंग्स से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी रिलेटेड, पल्मोनेटरी डिजीजेज जो पॉल्यूशन की वजह से वो नहीं होंगी। ठीक है, अर्जेंटीना, बोलीविया और जो चिले हैं ये ट्रायंगल कंट्रीज, लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज माने जाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया ये तीन कंट्रीज जो है लिथियम ट्रायंगल है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, क्या क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछा जाए कि विच कंट्री इज नॉट अमंग द लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, तो लिथियम ट्रायंगल में याद रखिएगा तीन कंट्रीज हैं, कौन कौन सी, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो लिथियम है वो इन तीन कंट्रीज के पास में है। इसका भी अभी मैं ग्राफ भी आपको दिखाता हूं। ठीक है, सो यहां पर क्या करना है, इन कंट्रीज से हमको मेजर इंपोर्ट करना है, इससे हमारा चाइना के ऊपर जो है डिपेंडेंस कम होगा और चाइना को जो इस सेक्टर में स्ट्रैटेजिक बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट भी भारत को क्या करना है, लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, क्या मेमर तक क्लियरली अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू सो मच। ओके, चलो, सिंपी शुक्ला मैं अच्छा पढ़ाता हूं, थैंक यू सो मच। तो अगर हम देखें तो इंडिया नीड नियरली कितना हमको लिथियम चाहिए, 3.5 लाख टन ऑफ लिथियम हमें पर ईयर चाहिए होगा अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड को बढ़ाते हैं। अभी जैसे अगर देखिए तो टाटा की भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गया है, टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ गया है, एमजी मोटर्स का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का ही मार्केट आपको दिखाई पड़ेगा। आप देख लीजिएगा अगले 2-3 सालों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो बहुत तेजी से डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड होती है लिथियम आयन बैटरीज की। अभी हम इसके बारे में आज पूरा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेक्टर क्या है, इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो डेटा मैंने मेंशन किया है कि बोलीविया ने भी, भारत ने 2019 में, अप्रैल 2019 में भारत ने बोलीविया के साथ भी लिथियम इंपोर्ट का समझौता किया। अभी चिली के साथ में ऐसा कोई समझौता नहीं है, भविष्य में जो है ना वो चिली के साथ में भी ऐसा समझौता हो जाएगा। तो बोलीविया के साथ में भी भारत ने एमओयू साइन किया हुआ है, 2019 में ही ये कर लिया है। ठीक है, और रिसर्चर्स एंड एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मिनरल डायरेक्टरेट, इलेक्ट्रॉनिक मिनरल डायरेक्टरेट जो है ये किसके अंडर यूनिट है, ये इंडियाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इंडिया का एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक यूनिट है। ठीक है, इसने ये कहा है, इसने एस्टिमेट किया है 2020 में ये खबर आई थी कि इसने एक जगह पर कर्नाटक के सदर्न कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पर सर्वे किया है और वहां पर इन्होंने पाया है कि 14,100 टन, करीब 14,000 टन का एक छोटा यूरेनियम रिजर्व है। तो अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाए, ठीक है, ये क्या क्वेश्चन बन जाए कि दिस, अब एक चीज याद रखिएगा, भारत में ये पहला इस तरीके का एरिया रिकॉग्नाइज किया गया है जहां पर लिथियम के रिजर्व हैं। ठीक है, भारत में और कहीं पर लिथियम के रिजर्व अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किए गए हैं। तो सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका में लिथियम का रिजर्व जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है, जहां पर 14,000 टन है और भारत को कितना चाहिए हर साल, 3.5 लाख टन जो है भारत को चाहिए, उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, भारत को हर साल इतना चाहिए अगर हमको चाइना को जो है लिथियम सेक्टर में पीछे करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें ओवरऑल एनर्जी डिमांड को लेकर के, तो इंडिया का इंपोर्ट लिथियम बैटरीज पर आप देखिए, ठीक है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2017 में 384 मिलियन डॉलर का भारत इंपोर्ट करता था लिथियम बैटरीज का। ठीक है, और अब देखिए 1.2 बिलियन डॉलर का क्या है इंपोर्ट हो रहा है। तो आप जरा सोचिए कि लगभग 3 गुना बढ़ोतरी जो है वो हो गई है लिथियम के बैटरी के इंपोर्ट को लेकर के। ठीक है, लिथियम बैटरी इंपोर्ट को लेकर के 3 गुना बढ़ोतरी यहाँ पर हो गई है। अब भारत को बहुत जल्दी लिथियम का इंपोर्ट बंद करके, ठीक है, या कम करके अपने यहाँ पर लिथियम बैटरीज जो है वो बनानी होंगी, लिथियम बैटरी के इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी मात्रा में पैसा जो है फॉरेक्स रिजर्व इस पर खर्च हो रहा है। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखें, तो ग्लोबल सिनेरियो अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि लिथियम का कंजम्पशन 2014 में, ग्लोबल एस्पेक्ट देखें तो 2014 में जो लिथियम का कंजम्पशन है, ठीक है, उससे बढ़ करके कितनी तेजी से लिथियम का कंजम्पशन जो है वो बढ़ा है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं उनका जो यूज़ है, उनका यूज़ जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो 2024 का एस्टिमेट देखें तो कई गुना जो है इनका जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। लगभग 34% के आसपास लिथियम बैटरीज़ का जो मार्केट डिमांड है वो हर साल बढ़ता चला जा रहा है। तो 2024 का एक एस्टिमेट दिया है, बहुत शार्प राइज हो रहा है, मतलब क्योंकि क्या है, जो फॉसिल फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोलियम रिजर्व जो है 2050 तक जाते जाते जो है लगभग डिप्लीट हो जाएंगे, तो हमको ऑल्टरनेट फ्यूल चाहिए होगा अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए। तो ये एक बड़ा सोर्स बन रहा है ऑल्टरनेट व्हीकल का। ठीक है, ओम ओम गुड इवनिंग। ठीक है, तो अगर हम देखें तो लिथियम आयन बैटरीज का जो डिमांड है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, याद रखिएगा, कहाँ पर लिथियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, कहाँ पर रिजर्व सबसे ज्यादा है। अगर हम देखें तो ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ लिथियम में, प्रोड्यूसर में जो है अर्जेंटीना वो चौथे स्थान पर आता है। प्रोड्यूसर में अगर देखें तो अर्जेंटीना जो है वो चौथे स्थान पर आता है। टोटल प्रोडक्शन का 8.3% जो है वो अर्जेंटीना में होता है। तो आपको लमसम ये याद रखना है, क्योंकि भारत ने अर्जेंटीना के साथ में एमओयू साइन किया है लिथियम इंपोर्ट को लेकर के। तो ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना, ये अभी 3 बड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। उसके बाद है अर्जेंटीना और जिम्बाब्वे। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का नंबर यहाँ पर कहीं पर नहीं है। तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 52.9% जो है ग्लोबल प्रोडक्शन का ऑस्ट्रेलिया से आता है। फिर 21% चिले में, चाइना में 9.7%, अर्जेंटीना में 8.3% और जिम्बाब्वे में 2.1%। ठीक है, तो अगर देखें तो लिथियम का जो प्रोडक्शन है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है, अर्जेंटीना चौथे स्थान पर है। अगर हम रिजर्व की बात करें तो अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर, चिले में सबसे ज्यादा है, 55% लिथियम सिर्फ चिले में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अर्जेंटीना में है, फिर चाइना में है, फिर यूएसए में है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो लिथियम के रिजर्व के मामले में अर्जेंटीना जो है वो तीसरे स्थान पर है, पर अगर हम लिथियम की बैटरी बनाने के केस में देखें तो चाइना जो है वो सबसे आगे है। ठीक है, ये तो सिर्फ लिथियम का प्रोडक्शन और लिथियम का रिजर्व है, पर लिथियम आयन बैटरी बनाने के केस में देखें तो चाइना लिथियम आयन बैटरी बनाने के केस में सबसे, ठीक है, सबसे आगे है। चलिए, अब अगर यहां पर देखें तो कंट्रीज विद लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व में चिली जो है वो सबसे ज्यादा है, 86 लाख मीट्रिक टन जो है वो चिली में रिजर्व है। तो आप देख के ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो लिथियम के रिजर्व हैं वो कहां पर हैं, चिली में है, और अर्जेंटीना जो है इस मामले में तीसरे स्थान पर है। अगर हम लिथियम आयन बैटरी का एक डेटा देखें कहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज जो है वो बड़ी मात्रा में बनाई जाती हैं, तो लिथियम आयन बैटरी बनाने की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो टेस्ला की फैक्ट्री है, ठीक है, जो यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में टेस्ला की फैक्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा जो है ना वो प्रोड्यूस करती है, और ओवरऑल लिथियम आयन बैटरी अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा चाइना में प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लिथियम आयन बैटरीज जो है वो सबसे ज्यादा चाइना में प्रोड्यूस की जाती है। तो बैटरी का हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है वो चाइना से होता है। और अगर इंडिविजुअल फैक्ट्री का देखें तो टेस्ला की फैक्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल फैक्ट्री के रूप में प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरी का जो मार्केट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बैटरी का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग देखें तो 2025 तक जो है 2025 तक ये 94.4 बिलियन का मार्केट जो है होने जा रहा है। 94.4 बिलियन का जो मार्केट है वो लिथियम आयन बैटरी का हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये सेक्टर देख रहे हैं, ये सेक्टर कितनी तेजी से बूम कर रहा है, और इस सेक्टर में भारत को जल्दी एंटर होने की जरूरत है, वरना क्या होगा, भारत जो है वो पिछड़ जाएगा इस सेक्टर में। ठीक है, और चाइना वगैरह इसमें अपना दांव ले जाएंगे। आइए थोड़ा सा लिथियम के बारे में देखते हैं, लिथियम की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो अगर हम देखें तो लिथियम इज अ लाइटेस्ट मेटल। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 है लिथियम का। सो लिथियम जो है ना एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है, इसका सिंबल जो है वो क्या है, Li है, सिंबल इसका सिंबल क्या होता है, Li है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 3 है। ठीक है, ये काफी सॉफ्ट सिल्वरी वाइट एल्कलाइन मैटर है, एल्कलाइन मतलब क्षारीय होता है, काफी रिएक्टिव होता है। ठीक है, एल्कलाइन मैटर है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन जो है इसको रखा जाता है नहीं, ये बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इसको जो है ऑयल वगैरह में रखा जाता है ताकि ये रिएक्ट ना करने पाए। काफ़ी फ्लेमेबल है, ठीक है, इसमें आग जो है वो आसानी से लग जाती है, इसी वजह से इसको मिनरल ऑयल वगैरह में स्टोर किया जाता है। ठीक है, सो लिथियम जो है वो एल्कलाइन मेटल है और सबसे हल्के मेटल्स में है, सबसे हल्के मेटल्स में है। ठीक है, सबसे कम एटॉमिक नंबर के मेटल्स में है। ठीक है, जब इसको हम कट करते हैं तो इससे जो मेटलिक ग्लो है वो निकलता है। ठीक है, सो लिथियम मेटल इज आइसोलेटेड इलेक्ट्रोलाइटली जो है ना ये आइसोलेटेड है। अभी मैं इसका आपको प्रोसेस भी दिखाता हूं कि कैसे लिथियम बैटरीज जो है वो काम करती हैं। ठीक है, और ये बेसिक रॉ मटेरियल है लिथियम आयन बैटरी या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में लगने वाली बैटरीज को बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर लिथियम आयन बैटरीज को देखें तो ये क्या होती है, रिचार्जेबल होती हैं, इनको रिचार्ज किया जा सकता है। दे आर कॉमनली यूज इन पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो सकती हैं, एरोस्पेस में, एरोस्पेस एप्लीकेशन में यूज हो सकती हैं। अब इसका मिलिट्री यूज जो है वो भी बढ़ रहा है, कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स में भी इनका यूज किया जा रहा है। ठीक है, कब ये पहली बार बनाई गई थी तो इसका जो प्रोटोटाइप है लिथियम आयन बैटरी का वो सबसे पहली 1985 में बनाया गया था अकीरा योशिनो के द्वारा। अकीरा योशिनो के द्वारा 1985 में पहली बार लिथियम आयन बैटरी का प्रोटोटाइप बनाया गया था। फिर लगातार इस पर तमाम प्रयास जो है अलग अलग साइंटिस्ट जो है वो करते चले गए। 2019 में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी इस बैटरी को बनाने के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब इसमें देखें, इसमें क्या होता है, ये लिथियम प्लेट होती है। ठीक है, दिस इज लिथियम प्लेट, लिथियम प्लेट है। अब इसमें जो है ना, इसको समझें कि जो बैटरी है इसमें लिथियम आयन मूव, जब वो डिस्चार्ज होती है तो उसमें लिथियम आयंस जो है, बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो लिथियम आयन मूव करते हैं। ठीक है, लिथियम आयन मूव फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और जब बैटरी चार्ज होती है तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इस मोशन की वजह से एनर्जी जनरेट होती है। लिथियम आयन बैटरी यूज द इंटरकैल्युलेटेड लिथियम कंपाउंड एज ए मटेरियल। इसको यहाँ पर आप मैप में देखिए तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। तो बैटरी, दिस इज, ये लिथियम बैटरी का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, जब चार्ज होते हैं तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो पॉजिटिव साइड में जमा होते हैं, ठीक है, इधर पॉजिटिव साइड में जमा होते हैं। जब डिस्चार्ज होते हैं तो ये नेगेटिव साइड में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइड में जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। और यहाँ पर लिथियम प्लेट होती है जो इन इलेक्ट्रोलाइट्स को पास होने देती है, ठीक है, और उनको चार्ज और एनर्जी स्टोरेज की कैपेसिटी उनको बनाए रखती है। सेपरेटर भी होती है एक तरीके से। सो बैटरी हैव हाई एनर्जी डेंसिटी। इस बैटरी का जो लेड बैटरी है उससे ज़्यादा, जो अमूमन आप जो सेल यूज़ करते हैं वो लेड सेल होते हैं, लेड सेल से ज़्यादा जो है वो इनका एनर्जी डेंसिटी होता है, ठीक है। इनका एनर्जी डेंसिटी जो है वो उससे ज़्यादा होता है और शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है। शेल्फ लाइफ मतलब ये ज़्यादा समय तक चार्ज रह सकती हैं, देर में डिस्चार्ज होंगी। इस तरीके की इनकी जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। अब इसकी लिमिटेशन देखें तो डिस्पाइट द इम्प्रूवमेंट इन लिथियम आयन बैटरीज ओवर द लास्ट डिकेड, लॉन्ग चार्जिंग टाइम, ठीक है, अभी भी जो इसका चार्जिंग टाइम है वो कंपेरेटिवली जो है वो लॉन्ग है। वीक एनर्जी डेंसिटी इज स्टिल बैरियर। अगर इसको आपको स्पेसक्राफ्ट वगैरह में यूज़ करना है, बड़े इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यूज़ करना है, आपको एनर्जी लैग ना महसूस हो, ठीक है, ऐसे अगर इसको करना है तो इसमें एनर्जी डेंसिटी को और बढ़ाना पड़ेगा, इसके चार्जिंग पीरियड को जो है वो और रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, चार्जिंग पीरियड को और रिड्यूस करना पड़ेगा। लिथियम आयन बैटरीज आर सीन एज सफिशियंट एफिशिएंट फॉर एप्लीकेशन सच एज फोन, लैपटॉप वगैरह में तो ये ज़्यादा बेहतर होती हैं। पर अगर जब हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करते हैं, चूंकि इनके लिए ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी रिक्वायर्ड होती है, तो लिथियम आयन बैटरीज उतना एनर्जी डेंसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। ये इनका एक लिमिटेशन है। दे स्टिल लैक द रेंज दैट वुड मेक देम वायबल ऑल्टरनेटिव टू इंटरनल कम्बशन इंजन। जो इंटरनल कम्बशन इंजन होते हैं, जो जिसमें आप पेट्रोल डीजल वगैरह यूज़ करते हैं, इंटरनल कम्बशन इंजन होते हैं, तो उनके कंपैरिजन में जो है ये अभी भी पावर लैग होती है, पावर जो है इसमें कम होता है। नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स आर बीइंग फॉस्टर्ड। जो और भी लिथियम आयन बैटरी के ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे अभी हम देखेंगे लिथियम सल्फर बैटरीज हैं, ठीक है, और दूसरे बैटरीज के प्रकार देखेंगे जिनको यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, उसके भी कुछ ऑप्शंस जो है वो ढूंढे जा रहे हैं, ठीक है। एक कंपैरिजन यहाँ पर दिया हुआ है इस पिक्चर के माध्यम से। ये जो पीपीटी है वो एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। फ्री कोर्सेज में आप जाएंगे, फ्री कोर्सेज में नीचे की ओर जाएंगे तो यूपीएससी संकल्प बैच का आपको लोगो मिलेगा, वहाँ पर आप एंटर होंगे तो करंट अफेयर वाले में ये आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, पीपीटीज आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर इसको हम कंपैरिजन करके देखें, ठीक है, तो लेड एसिड बैटरीज वगैरह जो होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज जो होती है, लेड एसिड बैटरी अगर उतनी ही पावर चाहिए तो आपको लार्ज वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, इनका स्मॉलर वॉल्यूम में ये काम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपैरिजन मैंने करके दिखाया है, ठीक है, दोनों बैटरीज में कंपैरिजन अगर हम देखें तो एनर्जी वॉल्यूम में ये ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज में ये वाली बैटरीज हाई होती हैं, एनर्जी वॉल्यूम में जो लिथियम आयन बैटरीज हैं ये ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है। पर लिथियम आयन बैटरीज का एक प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि लिथियम आयन बैटरीज जो है वो रिसाइकलेबल नहीं है, तो इनको अच्छे से रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। जब रिसाइकल नहीं किया जाता है तो इन बैटरीज को जो है वो क्या किया जाता है, वेस्ट डिस्पोज किया जाता है, या तो लैंड फिल में डाल दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है। तो इसमें जो कोबाल्ट वगैरह जैसे एलिमेंट होते हैं, लिथियम खुद में एक पॉल्यूटेंट का काम करता है। तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेकर के वो ये है कि इनका ठीक से रिसाइकलेबल ना होना, ठीक है। अब हम लिथियम को रिसाइकल करके दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो रीयूज़, रिसाइकलिंग इनका अभी पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से आपको हमेशा जो है लिथियम वो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ही करना पड़ता है। हालांकि जो लिथियम का लाइफ है वो लेड एसिड बैटरीज से काफ़ी ज़्यादा होता है। लिथियम सेल बैटरीज का जो लाइफ है लगभग 10 साल का होता है, ठीक है, 10 साल का होता है। जो साइज में बड़ी वाली कॉम्पैक्ट वाली होती हैं उनका 10 साल का होता है। अमूमन इनका लाइफ रिचार्जेबल होती है, लाइफ इनकी बड़ी होती है, इसकी वजह से इनको रिसाइकल करने के लिए लंबा समय हमें मिल जाता है। पर अभी तक ये रिसाइकलेबल नहीं है, ये इनका सबसे नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि पॉल्यूशन क्रिएट करती है। यूरोपियन कमीशन के अकॉर्डिंग जो बैटरीज होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, यूरोपियन कमीशन ने बताया है कि बैटरीज जो है वो कैसी होनी चाहिए, लो टॉक्सिक मटेरियल की होनी चाहिए, ठीक है। बैटरीज जो है वो लो टॉक्सिक मटेरियल की होनी चाहिए। अब जो लिथियम है वो लेड से कम टॉक्सिक मटेरियल है, इसलिए इसको लेड के ऊपर ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है। लो टॉक्सिक मटेरियल की होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो सप्लाई चेन है, मतलब इसलिए इन बैटरीज का जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं होने चाहिए। जियोपॉलिटिकल मतलब दो कंट्रीज के बीच में टसल चल रहा है, इस तरीके के जियोपॉलिटिकल रिस्क नहीं होने चाहिए। इनका यूज़ जो है वो बहुत एफिशिएंट होना चाहिए। लॉन्ग लाइफ स्पैन होना चाहिए इन बैटरी का। एनर्जी डेंसिटी जो है वो इन बैटरीज की ज़्यादा होनी चाहिए, हायर एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू। हायर एनर्जी डेंसिटी, हायर एनर्जी डेंसिटी होनी चाहिए। यूज क्लीनर एनर्जी, मतलब इनको चार्ज करने के लिए जो क्लीन एनर्जी है उसका यूज होना चाहिए। इनको चार्ज करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कोयला जला करके जो एनर्जी बना रहे हैं उसको उससे इनको चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। इनेबल एक्सीलेंट राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, मतलब एक बार चार्ज हो डिस्चार्ज हो फिर उतना ही एनर्जी डेंसिटी के साथ में चार्ज होनी चाहिए। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार आपको लिथियम आयन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस बार बन गया है, ठीक है। इस वजह से इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर उठाया है। ये स्टैंडर्ड आप जरूर याद कर लीजिएगा, इस पर आपका मेन्स का क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार से लिथियम आयन बैटरीज या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो वर्ल्ड वाइड प्रिवेल होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको बस यही 7-8 की पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। किसी भी इन की पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, चाहे एक जगह पर इन की पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। बैटरी कैसी होनी चाहिए, ठीक है, एक बैटरी कैसी होनी चाहिए, ईजी टू रिसाइकल रिचार्ज रीयूज होनी चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें बैटरी मुख्य कंपोनेंट है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक आइडियल बैटरी जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो यूरोपियन कमीशन ने इसके बारे में पूरा एक फ्लो चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ईजिली रिसाइकेबल होनी चाहिए, लो टॉक्सिक होनी चाहिए, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का हो, इतना मतलब उसमें कोई कंबशन क्षमता नहीं हो कि ब्लास्ट ही हो जाए, ठीक है। यूज रिसोर्सेज एफिशिएंटली, उसमें जो रिसोर्सेज हैं उनका काफ़ी एफिशिएंट यूज़ हुआ हो, लॉन्ग लाइफ स्पैन होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी जो है वो उसकी हाई होनी चाहिए। ये जो 7-8 पैरामीटर्स जो है वो सस्टेनेबल बैटरीज के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर देखिए तो सभी जगहों पर सस्टेनेबिलिटी पर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, तो स्पेसिफिकली जो बैटरी सेक्टर है उसमें भी सस्टेनेबिलिटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। अगर आप ये 5-6 पॉइंट याद रखे हैं तो बैटरी सेक्टर में जो उनके सप्लाई चेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं उसको आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक यहाँ पर हम लेते हैं। लिथियम आयन बैटरी से आगे निकलते हैं। अभी लिथियम आयन पर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। आज हमारा जो मेन फोकस है वो लिथियम बैटरीज पर है। इस पर अभी हम एक मेंस का क्वेश्चन जो है आंसर राइटिंग, मैंने ऑलरेडी आंसर राइटिंग करके रखा है, आपको बताऊंगा कि कैसे फ्रेमिंग वगैरह होता है, कैसे आप इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। बात करेंगे हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? जो लोग भी ऑनलाइन हैं बताइए, आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाइए। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, मुझे बताइए। अरविंद बघेल, ठीक है। सुजीत साहू, अच्छा एनालिसिस लग रहा है आपको, थैंक यू सो मच। सीखिए, इसी तरीके से एनालिसिस करना है। देखिए यूपीएससी के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लेंगे, आप सब कुछ तैयार कर लेंगे, ठीक है। पर आप एक बार किसी भी टॉपिक का एनालिसिस करना सीख जाएंगे, उसके सारे एस्पेक्ट को देखना सीख जाएंगे, आपके अंदर वो इंसाइट, वो होराइजन डेवलप हो जाएगा एक बार, तो आप किसी भी टॉपिक को उठाएंगे और बड़े आसानी से उसका एनालिसिस करते चले जाएंगे। विनीता त्रिपाठी, समझ में आ रहा था? चलिए, गुड, वेरी गुड। तो किसी भी टॉपिक का जो एनालिसिस है उसके सारे एस्पेक्ट को देखना, उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल, आर्ट, आर्किटेक्चरल, जो भी एस्पेक्ट आप उसके निकाल सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, एथिक्स, मॉरलिटी, वैल्यूज से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट आप निकाल सकते हैं, उसके जितने मैक्सिमम एस्पेक्ट निकाल सकते हैं। एक बार जब आपको सोचना, वो इनसाइट डेवलप हो गया, ठीक है, वो सोचने की एबिलिटी डेवलप हो गई, तो आप हर एक टॉपिक में वो चीज़ें अपने आप ढूंढना सीख जाएंगे, ठीक है। बाकी ये सब पढ़ी हुई चीज़ें तो आपको बाद में सर्विस के दौरान तो वैसे भी सब कुछ डेटा याद नहीं होता है, भूल जाता है, पर आपका जो ब्रेन एक डिफरेंट टाइप का जो फंक्शनिंग सीख जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आपका ओवरऑल ये जो पूरा जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन भी अपने आप में एक ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग है आपके अंदर वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ डेवलप करने का। मैंने एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पर बहुत पहले इसमें लेक्चर लिया है, बहुत इनिशियल लेक्चर्स में है, स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज बाय एग्जामपुर के चैनल पर है, ठीक है, दोनों चैनल, हिंदी वाले चैनल पर भी है, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो बहुत सारी ऑफिसर लाइक स्किल्स जो है वो रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, वो स्किल्स ही आपकी प्रिपरेशन के दौरान डेवलप होती है, वो इनसाइट आपका डेवलप होता है, वो पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है, ठीक है। सिर्फ पढ़ना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, उस पढ़ाई के साथ में आपको अपने अंदर वो सोचने समझने की क्षमता विकसित करनी होती है। चलिए, हम देखते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या होता है, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो चर्चा में क्यों रही है, अभी इसको थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। तो हुआ क्या है कि आरओ के लिए, देखिए, उसके लिए तो आप कॉमन करंट अफेयर्स जो है वो पढ़िए, ठीक है, कॉमन करंट अफेयर्स जो वन लाइनर वाला करंट अफेयर होता है, वहाँ पर वैसे ही करंट अफेयर आता है। ये तो यूपीएससी के लिए खासकर स्पेसिफिकली मैं पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी के लिए ये वाला करंट अफेयर है। आरओ के लिए तो आप वन लाइनर वाला करंट अफेयर किसी भी बुक वगैरह से, या यहाँ पर क्लास चलती हैं अभी विवेक सर की जो है 12 आवर रिवीजन की क्लास है, तो उसको आप जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलो, बात करते हैं कि ये क्यों चर्चा में है, ठीक है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन चर्चा में क्या होती है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का प्रोसेस क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रपोज किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने प्रपोज किया है कि जो अभी तक जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का टाइम पीरियड है उसको रिवाइज किया जाए। जैसे पहले सेंटर ने इनिशियली 2017 का डेडलाइन दिया था, ठीक है, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का जो डेडलाइन है। देखिए, पहले मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या होता है। जहां पर कोल बर्निंग करके, फॉसिल फ्यूल का बर्निंग करके एनर्जी वगैरह जनरेट की जाती है, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर कोल बर्निंग की जाती है। अब जो कोल बर्निंग है उससे सल्फर जनरेट होता है, ठीक है, तो वो सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा पॉल्यूटेंट के तौर पर। और सल्फर जो है वो एक बड़ा पॉल्यूटेंट है, क्योंकि सल्फर जो है एसिड रेनफॉल कर सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना के। तो सल्फर को उस एमिशन से अलग करने का जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को गवर्नमेंट ने कहा था कि 2017 तक जो है हम इसको सब जगह पर इंप्लीमेंट करेंगे, पर यह डेडलाइन जो है वो पूरी नहीं हुई। इस डेडलाइन को बढ़ा करके 2022 कर दिया गया, ठीक है, और 2022 में भी अब ये कहा गया है कि जो सिमिलर स्टैंडर्ड है सल्फराइजेशन का, डीसल्फराइजेशन का जो सिमिलर स्टैंडर्ड है वो सब पर एक जैसा नहीं लगाया जाना चाहिए, ठीक है, सभी को एक जैसा स्टैंडर्ड नहीं इंप्लीमेंट करना चाहिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो डेडलाइन है, ठीक है, ये चेंज करके कितना कर दिया गया है, अब ये जो डीसल्फराइजेशन 100% डीसल्फराइजेशन जो सभी प्लांट्स में होना चाहिए जो थर्मल पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको ये टारगेट दिया गया है 2020 तक। तो ये जो नई डेट वगैरह निकली है इसी वजह से ये चर्चा में है। तो ये जो टारगेट है इसमें ये कहा है कि ये नई डेट तो हमने निकाली है, पर क्या होगा कि सभी जगहों पर, जैसे मान लीजिए जो सिटीज़ के पास में थर्मल पावर प्लांट है, जैसे एनटीपीसी का थर्मल प्लांट दिल्ली में बदलपुर में है तो वो शहर के पास में है, ऐसे थर्मल पावर प्लांट में तो 100% डीसल्फराइजेशन 2022 तक हो ही जाना चाहिए, अदरवाइज उनको शट डाउन किया जाएगा। पर जो रिमोट एरियाज़ में है, ठीक है, जहां आसपास बस्ती नहीं है तो वहां पर जरूरी नहीं है कि 100% डीसल्फराइजेशन किया जाए, वहां पर आप परसेंटेज को लीनियंट भी रख सकते हैं। 2022 उनके लिए डेडलाइन एकदम हार्ड एंड फास्ट डेडलाइन नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो डीसल्फराइजेशन है ये चर्चा में बना हुआ है, ठीक है। अब ये होता क्या है इसको थोड़ा सा देख रहे हैं, देख लें तो रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन क्या है? रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कहां से? सल्फर डाइऑक्साइड एज फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। तो अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का रिमूवल करते हैं, कहां से रिमूवल करते हैं? इट सीक्स टू रिमूव गैसियस पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड from exhaust flue gases generated in the furnace, boiler and other industrial process। जहां जहां पर भी हम कोयला जलाते हैं, फर्नास मतलब भट्टियों में कोयला वगैरह जलाते हैं, वहां पर फ्लू गैसेस निकलती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्नॉक्स गैसेस बोलते हैं। आपको ये टर्म याद रखिएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्नॉक्स गैसेस। स्नॉक्स गैसेस में सल्फर, नाइट्रोजन, इनके सब ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं, स्नॉक्स गैसेस जो होती हैं। तो स्नॉक्स गैसेस ओवरऑल मिला करके उनको फ्लू गैस वगैरह बोलते हैं, फ्लू गैस। इसमें बहुत सारी गैसेस जो है, फ्लू गैसेस में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती है। तो आपको स्टेटमेंट आए फ्लू गैस इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, स्टेटमेंट सही है, ठीक है। फ्लू गैस में बहुत सारी स्नॉक्स गैसेस वगैरह मिक्स होती है, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसमें सल्फर होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, मान लीजिए उसका इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म में होगा, पर सल्फर का हेल्थ इफेक्ट जो है वो बहुत जल्दी होते हैं ह्यूमन बीइंग पे, ठीक है। तो मेनली जो फ्लू गैसेस में डीसल्फराइजेशन मतलब सिर्फ सल्फर को ही अलग किए जाने का डेडलाइन 2022 तक दिया गया है। आप इसको बिल्कुल रिमूवल कर दीजिए ताकि एक एम्बियंट एयर क्वालिटी देश के सिटीजन को मिले। अब ये क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट में भी है कि हमको जीने का अधिकार है, और किस तरीके के एनवायरनमेंट पे जीने का अधिकार है? एक डिग्निफाइड साफ सुथरे एनवायरनमेंट पे जीने का अधिकार है, सम्मानजनित जीवन जीने का आपको अधिकार मिलना चाहिए, है ना। जीने का अधिकार तो है, पर सांस लेने के लिए अगर साफ सुथरी हवा नहीं है और ऐसी हवा में आप सांस लेते मर जाएंगे तो काहे का जीने का अधिकार? बात समझ रहे हैं? तो जीने का अधिकार जो है वो एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट में होना चाहिए, जहां पर एक एम्बियंट एयर क्वालिटी, साफ सुथरा पानी पीने के लिए, साफ सुथरा भोजन करने के लिए ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो एक तरीके से ये आपके फंडामेंटल राइट को ही सिक्योर करने से रिलेटेड है, ये इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। आप अगर देखना चाहें तो ये आपको इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन है वो तमाम जितने भी फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं भट्टियों में, ब्रॉयलर्स वगैरह में, वहां से निकलने वाली जो गैसेस हैं वो फ्लू गैसेस हैं। ये कई सारे गैसेस का मिक्सचर है। और डीसल्फराइजेशन क्या है? फ्लू गैसेस में से सल्फर को अलग करें, दिस इज कॉल्ड डीसल्फराइजेशन। ज़्यादातर ये जो है कहाँ से निकलते हैं? थर्मल पावर प्लांट से, थर्मल प्रोसेसिंग वगैरह से, थर्मल ट्रीटमेंट से, थर्मल कंबशन से, वहीं से ये ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ कॉमन मेथड क्या है इनके यूज़ का, किस तरीके से करते हैं? तो यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। जो मेथड लिखा हुआ है वो टेक्निकल लिखा हुआ है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना टेक्निकल जाने का ज़रूरत नहीं, फिर भी जो है ना मैंने एक टेक्निकल नोट्स यहाँ पर तैयार की है। जो लोग साइंस वाले हैं उनको तो समझ में आएगा ही, जो आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको भी मैं इसको थोड़ा सा समझा दूँ, ठीक है। सो वेट स्क्रबिंग जो है, वेट स्क्रबिंग मैथड होता है, वेट स्क्रबिंग मैथड। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कहीं पर आग लग जाए और आपको वहां से निकलना हो, आग से घर के अंदर धुआं है, तो क्या करते हैं? कपड़े को गीला करते हैं, ठीक है। कपड़े को गीला करके कपड़े को बांध लीजिए। गीला कपड़ा को बांधने के से जितना भी पॉल्यूटेंट फ्यूम्स होगा, ठीक है, पॉल्यूटेंट फ्यूम्स वगैरह जो होगा, एरोसॉल वगैरह जो होगा, वो उस गीले कपड़े में क्या होगा? चिपक जाएगा, एडहेसिव हो जाएगा, ठीक है। तो वेट स्क्रबिंग मेथड में भी यही करते हैं कि एक एल्कलाइन सॉर्बेंट कवर जो है वो तैयार करते हैं, ठीक है। वो कवर गीला रहता है, जिसमें मेनली जो है लाइमस्टोन और सी वाटर वगैरह से उसको क्या करते हैं? गीला रखते हैं। लाइमस्टोन में कैल्शियम होता है और कैल्शियम बहुत जल्दी से इनको एब्जॉर्व कर लेता है। सी वाटर में भी कैल्शियम होता है, और इस वजह से सी वाटर जो है वो उसको बहुत तेजी से एब्जॉर्व करता है। इसको कहते हैं वेट स्क्रबिंग मैथड। तो वेट स्क्रबिंग मैथड जो है उसमें एक फिल्टर के माध्यम से, जो फिल्टर में लाइमस्टोन का लेयर रहेगा, सी वाटर से उसको क्या किया जाता है? गीला किया जाता है, या सी वाटर का यूज वहां पर किया जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेट स्क्रबिंग मेथड। स्प्रे ड्राई मेथड, ठीक है, स्प्रे पे ड्राई स्क्रबिंग जो है वहां पर ड्राई सरफेस से तेज, जैसे एक डेंस छन्नी बनाई जाती है, ठीक है, तेज फोर्स एयर से जो है इसको फ्लू गैसेस को छोड़ा जाता है, ठीक है, और छन्नी क्या डेंस होती चली जाती है, डेंस होती चली जाती है, तो पार्ट वाइज जो एरोसॉल है उस छन्नी में फंसते चले जाते हैं, जैसे ड्राई स्प्रे मेथड, ठीक है। स्नॉक्स फ्लू गैसेस जो है डिसल्फराइज, स्नॉक्स मत का मतलब समझ लीजिए, स्नॉक्स मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो स्नॉक्स गैसेस हैं इनको बर्न करके भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ मेथड्स जो है वो यहाँ पर प्रयोग होते हैं। इसका मैंने एक पिक्चर भी यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। ये एब्जॉर्बर्स यहाँ पर लगे होते हैं, इससे गुजरने के बाद गैस जो है वो निकल जाती है और जो वाटर है वो एक जगह पर स्टोरेज हो जाता है, जिस वाटर से होकर के ये सी वाटर से होकर के निकल रही है, ठीक है। तो इस टेक्निकलिटी में आपको जाने की जरूरत नहीं, पर इतना आपको जानने की जरूरत है कि इसको लाइमस्टोन के माध्यम से, लाइमस्टोन या लाइम के माध्यम से सल्फर डिसल्फराइजेशन किया जाता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या? लाइमस्टोन या सी वाटर, सी वाटर से इस डिसल्फराइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वनडे वगैरह या जो दूसरे पीसीएस वगैरह इनको भी, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिसल्फराइजेशन किसके माध्यम से किया जाता है। तो डिसल्फराइजेशन जान रहिएगा, लाइमस्टोन और सी वाटर के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट क्या हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर। सल्फर डाइऑक्साइड अगर हम देखें सो जैसे मैच स्टिक, माचिस आप जलाते हैं ना, तो जलाने के बाद जैसे माचिस बुझती है तो अचानक से जो एयर कभी आपके नाक में जाए तो आप फील करेंगे वो जो स्मेल होती है वो सल्फर है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। क्या है? इट इज अ कलरलेस गैस दैट इज सिमिलर टू द स्मेल ऑफ मैच स्टिक बीइंग स्टक, ठीक है। मैच स्टिक आप जब जलाते हैं तो जो स्मेल जनरेट होती है वो सल्फर की स्मेल होती है, वैसे ही स्मेल इसकी होती है, ठीक है। एज इट्स नेम सजेस्ट इट इज अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है और ये नेचुरल तरीके से भी और एंथ्रोपोजेनिक तरीके से भी निकलती है। सल्फर जो है, अगर आप सल्फर का बायोजियोकेमिकल साइकिल एनवायरनमेंट में पढ़ें तो सल्फर ज़्यादातर जो है वो किस तरीके का है, सेडिमेंट्री डिपोजिशन होता है, ठीक है। तो कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड बड़ी मात्रा में निकलता है। लैंडस्लाइड वगैरह हुआ, वहाँ से सल्फर बहुत निकलता है और माइनिंग के माध्यम से सल्फर बहुत निकलता है। इसके अलावा जो हॉट वाटर गीजर्स होते हैं, जहाँ पर गर्म पानी जो है वो धरती से बाहर निकलता है, तो हिमालयी क्षेत्रों में बहुत ऐसी जगहें हैं, जैसे ताता पानी है, मनाली के पास में मणिकरण है, वहाँ पर हॉट वाटर गीजर जो है वो नीचे से निकलता है, ठीक है। तो ये जो हॉट वाटर गीजर है इसमें भी बड़ी मात्रा में सल्फर निकलता है। तो ज्वालामुखी और माइनिंग वगैरह इन सब कारणों से एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल रीजन से भी जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो निकलता है। सल्फर के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज भी हैं और सल्फर हमारी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रिएंट वगैरह का भी काम करता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट का भी काम करता है। इट हैज सिग्निफिकेंट हेल्थ इन्वायरमेंटल इफेक्ट इंक्लूडिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। मेन इफेक्ट क्या है इन्वायरमेंट में इसका? एसिड रेन, स्मॉग क्रिएट करना, जो दिल्ली वगैरह में, शहरों वगैरह में स्मॉग, ठंड के समय में स्मॉग क्रिएट हो जाती है, पॉल्यूटेंट की एक पूरी लेयर बन जाती है। स्मॉग मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। फॉग प्लस स्मोक वगैरह, सल्फर का स्मोक जो है यहाँ पर मिल जाता है और बाद में वो एसिड रेनफॉल करता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका रोल है। ग्लोबल वार्मिंग में सल्फर का रोल कहाँ पर है? SF6 के रूप में, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के रूप में, SF6 के रूप में ग्लोबल वार्मिंग में इसका रोल होता है, पर इसका अमाउंट चूंकि कम है तो बहुत बड़ा रोल सल्फर हेक्साफ्लोराइड का होता नहीं है, ठीक है। पर इसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में क्योटा प्रोटोकॉल में रिकॉग्नाइज किया गया है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड को। याद रखिए, अकेले सल्फर को नहीं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड को, SF6 को क्योटा प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो ये सल्फर से के इफेक्ट जो है, एसिड रेनफॉल वगैरह यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने लिखा है क्या होता है एसिड रेनफॉल। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बना करके एसिड रेनफॉल करती है और उसके तमाम इफेक्ट जो है यहाँ पर सल्फर के पड़ते हैं। ह्यूमन हेल्थ पर इसके इफेक्ट देखें, अगर ह्यूमन हेल्थ पर अगर इफेक्ट देखें तो सल्फर जो है वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है अगर ह्यूमन इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इसका ज्यादा मात्रा में इनहेलिंग करता है तो काफी डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं। जैसे आपके एल्बियोलीज, एल्बियोलीज क्या होते हैं? जो आप सांस लेते हैं तो सांस लेने में लंग्स में एयर जाती है, लंग्स के बाद एल्बियोलीज के माध्यम से वो आपके ब्लड में जाती है। तो एल्बियोलीज जो होती हैं बहुत छोटी छोटी झिल्लियां होती हैं, वो एल्बियोलीज जो है इससे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ठीक है, तो इससे आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेस, पल्मोनरी डिजीजेस जो है वो जनरेट होती है। काफ़ी दम घोटू होता है, सल्फर अक्सर जो है बायोमास के बर्निंग वगैरह में भी निकलता है। इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ होती हैं जो लकड़ी उपले जला करके खाना वगैरह बनाती हैं, उनको सल्फर का इनहेलिंग की वजह से तमाम लंग्स से रिलेटेड डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, सो क्रॉनिक एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लीड टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी इलनेस जैसे अस्थमा हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस हो जाएगा और तमाम हार्ट डिजीज जो है वो जनरेट होती हैं। ठीक है, और चिल्ड्रंस में जो लंग्स अगर बच्चों में जाता है तो लंग्स को ठीक से डेवलप होने नहीं देता है। सल्फर के ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। सल्फर का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। जो हॉट वाटर गीजर में आप सल्फर वाला जो पानी होता है उसमें कुछ समय तक नहाने से क्या होता है, आपका जो मेलानिन मतलब स्किन कलर जो है वो मेलानिन से डिसाइड होता है। तो मेलानिन का जो लेवल है अगर वो कहीं बैलेंस है, कहीं ब्लॉकेज है तो वो खुलता है। ठीक है, तो स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है जो सल्फर वाला वाटर होता है जो हॉट वाटर गीजर से निकलता है। ऐसा सल्फर वाटर स्किन के लिए जो है वो बेहतर माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सल्फर के अपने नुकसान भी हैं, कुछ फायदे भी हैं। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा डीसल्फराइजेशन। ठीक है, डीसल्फराइजेशन, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। अब बात करते हैं पेंगोलिन के बारे में। ये बेचारा छोटा सा जानवर जो है ये चर्चा में आया है। ठीक है, वैसे ये बहुत खतरे में है। इसका चाइना वगैरह में तमाम मेडिसिनल पर्पस वगैरह के लिए पेंगोलिन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह में के माध्यम से जो पेंगोलिन का पोचिंग होता है। ठीक है, पेंगोलिन पोचिंग, पोचिंग मतलब जो चोरी से इनका व्यापार वगैरह इनको मार करके बेचा जाता है, इसको पोचिंग कहते हैं। ठीक है, तो पेंगोलिन अगर आप देखें तो ये एंट ईटर फैमिलीज में से सबसे पुराने जीवों में है और स्कैल्प वाला ये जो स्कैल्प इसके ऊपर आपको दिख रही है ना, ये इसका डिफेंसिव मैकेनिज्म है। जब कोई जानवर इस पर अटैक करता है तो ये ऐसे गोल हो जाता है और स्कैल्प से ये बच, जैसे कछुआ जो है अपनी शेल में चला जाता है, वैसे ये भी अपने स्कैल्प के पीछे छिप जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्कैल्प जो डेवलप हुआ है ये मिलियंस ऑफ द ईयर के एवोल्यूशन का रिजल्ट है, सर्वाइवल का रिजल्ट है ये। ठीक है, एडेप्टेशन का रिजल्ट है। अब बेचारे इसी स्कैल्प के लिए इसको मारा भी जाता है, इसके मीट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसको मारा भी जाता है। तो ये पेंगोलिन जो है वो काफ़ी खतरे में है। इंडिया में ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में कैटेगराइज है। ठीक है, चाइना में तो एक्सट्रीमली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज स्ट्रेस्ड द नीड टू स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू चेक पेंगोलिन पोचिंग एंड ट्रेडिंग। ठीक है, तो ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस तरीके का काम करना सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से स्टार्ट किया। अब अगर इसके हैबिटेट से क्वेश्चन आए कि पेंगोलिन्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके की जो स्पीसीज होती हैं जो बहुत क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं वो अगर न्यूज़ में आती हैं तो उनसे क्वेश्चन आने की संभावना जरूर रहती है। ठीक है, तो आपसे पूछ ही लिया, मान लीजिए कि पेंगोलिन्स, स्टेटमेंट दे दिया कि पेंगोलिन्स जो है वो केवल अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया कि पेंगोलिन्स जो है वो अमेरिका, अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट्स में पाई जाती हैं। तो इस तरीके का स्टेटमेंट दे दिया, तो आपको ढूंढना है कि भाई सही स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट क्या है। तो आप यहां से जान लीजिए पेंगोलिन्स जो है वो अफ्रीका, सदर्न और साउथ ईस्ट एशियन रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, ये ठंडे जगहों पर नहीं पाई जाती हैं। पहली चीज़ याद रखिएगा, ये ठंडे जगहों पर नहीं पाई जाती हैं पेंगोलिन्स। तो ये बचने के लिए ऐसे गोल गोल हो जाती है, यहाँ पर आप देखें ऐसे सर्कुलेट हो जाती है। ठीक है, तो पेंगोलिन्स जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? अफ्रीका में पाई जाएंगी। ठीक है, अफ्रीका में पाई जाएंगी जहाँ पर अच्छी वनस्पति है। ठीक है, टर्माइट्स हैं, कीड़े हैं, वहाँ पर ये पाई जाती। चींटी वगैरह खाने में एंट ईटर्स हैं, मेनली एंट ईटर्स हैं ये। ठीक है, टर्माइट ईटर हैं। तो पेंगोलिन की तमाम प्रजातियां हैं, जैसे वाइल्ड बिल्ड पेंगोलिन है ये। ठीक है, जायंट पेंगोलिन है, ब्लैक बिल्ड बेलिड पेंगोलिन है, ग्राउंड पेंगोलिन है, फिर ये इधर इंडियन पेंगोलिन है। ठीक है, ये वाली जो है वो सुंडा पेंगोलिन है। सुंडा वाला ये जो इंडोनेशिया का सुंडा रीजन है, यहाँ पर पाई जाने में सुंडा पेंगोलिन है, फिलिपीनियन पेंगोलिन है, चाइनीज पेंगोलिन है। तो भारत में दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक को इंडियन पेंगोलिन कहते हैं और भारत के नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं यहाँ पर सिक्किम में, अरुणाचल में जो पेंगोलिन्स पाई जाती हैं वो चाइनीज पेंगोलिन्स हैं। तो भारत में पेंगोलिन्स की दो प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पेंगोलिन्स का खूबसूरत साफ सुथरा फोटो देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगता है ना ये सब फोटो वगैरह देखने में, फोटो से पढ़ाई करें तो एक विजिबल इफेक्ट बनता है। अब पेंगोलिन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आपको याद आ जाएगा मैंने क्लास में पढ़ा था, और आप दिमाग भिड़ाएंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो ये सारे पेंगोलिन्स, केप पेंगोलिन्स, सारे पेंगोलिन्स का फोटो, जितनी भी प्रजातियां पेंगोलिन्स की हैं उनका फोटो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। भारत में जो पेंगोलिन है वो चाइनीज पेंगोलिन भारत में मिलती है और इंडियन पेंगोलिन, जैसे ये वाली इंडियन पेंगोलिन है, ठीक है, इंडियन पेंगोलिन, और ये वाली चाइनीज पेंगोलिन है। तो ये दोनों पेंगोलिन्स जो है वो भारत में पाई जाती हैं, ये दोनों भारत में है, ठीक है, ये दोनों भारत में मिलती हैं, इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं और इससे रिलेटेड एरियाज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्यों इनका पोचिंग वगैरह होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पेंगोलिन इज द ओनली स्केली मैमल, ठीक है, याद रखिएगा ये, दिस इज द ओनली स्केली मैमल, मैमल्स में दिस इज द ओनली स्केली, जिसके पूरे बॉडी पर जो है ना स्केल्स होते हैं, ठीक है, अभी आपने देखा तो इसकी पूरी बॉडी पर स्केल्स होते हैं। तो मैमल्स, अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर स्टेटमेंट पूछता है पेंगोलिन इज द ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लैनेट, ठीक है, नोन में अभी तक जिनको हम जानते हैं, तो यस, ठीक है। मोनिका, हाँ बेटा, जो है हमेशा पिक्चर्स के माध्यम से ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, और उसका क्या होता है, हमारी जो मेमोरी होती है फोटोजेनिक होती है, फोटोजेनिक से क्या होता है, जो फोटोज़ हैं वो हमारे ब्रेन में छप जाती हैं। आपने बचपन में जो कार्टून्स वगैरह देखे होंगे वो आज भी आपको जो है ना फोटोजेनिक लगते होंगे, उनका फोटोज़ आपको ब्रेन में याद होगा, है ना, पर बचपन में जो लाइनें पढ़ी होंगी या कहीं देखेंगे वो शायद ना याद हो। तो अक्सर जो फोटोज़ हैं वो हमें ज़्यादा फोटोजेनिक मेमोरी प्रोवाइड करती हैं, तो रिकॉल में जो है वो बहुत मदद मिलती है, ठीक है, रिकॉल में आपको बहुत मदद मिलती है, तो याद रखिएगा ये चीज़। चलिए तो पेंगोलिन जो है, दीज आर द ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लैनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द साइट्स, साइट्स क्या है ये भी हम समझते हैं अभी, साइट्स क्या है। अकॉर्डिंग टू द साइट्स जो है ना, दीज आर मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वर्टिब्रेट्स विद इन इट्स क्लास, अपने क्लास मेमेलिया क्लास में, अपने मेमेलिया क्लास में ये सबसे ज्यादा इलीगली ट्रेडेड जो है वो प्रजाति है, सबसे ज्यादा इलीगली ट्रेडेड। तो इसके लिए दो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत अच्छे बन गए, वो क्या है कि दिस इज द ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लैनेट, ये केवल स्केली मैमल, स्केली मतलब स्कैल्प जो होते हैं, पपड़ियां जो होती हैं इनके ऊपर, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा जो है इलीगली ट्रेड किया जाने वाला मैमल है, ठीक है। अच्छा, आप भी एक टीचर हैं, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस, बीइंग अ टीचर गिव्स यू अ डिफरेंट फीलिंग, राइट। चलो ओके, तो इनकी 8 स्पीसीज हैं, 8 स्पीसीज में इंडिया में 2 पाई जाती हैं, 2 आर फाउंड, जो मैं आपको फोटो दिखा चुका हूं, चाइनीज पेंगोलिन और इंडियन पेंगोलिन, 2 पेंगोलिन पाई जाती हैं। चाइनीज पेंगोलिन जो है वो मोस्टली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती है, बाकी जो इंडियन पेंगोलिन्स हैं वो थ्रू आउट द इंडियन, जो भारतीय जंगल है, खासकर जो कोस्टल रीजन के जंगल हैं वहां पर ये पाई जाती है, ड्रायर एरिया में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। टर्माइट, इनका मेन फूड क्या होता है, टर्माइट और एंड्स, चींटी खाते हैं। तो चाइनीज पेंगोलिन हैज बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो चाइनीज, भारत में 2 हैं, एक है इंडियन पेंगोलिन, तो इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड है और चाइनीज पेंगोलिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होती है, ठीक है, उसका पिछले 10 साल में 90% पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, तभी वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में होती है। प्लस अगर हम देखें तो उसका 50 से नंबर 50, इसका जो नंबर है, नंबर जो है वो बिलो 50 हो जाता है, बिलो 50 जो है वो इनका नंबर होता है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहलाते हैं। इंडेंजर्ड में क्या है, इंडेंजर्ड में इनका जो नंबर होगा वो 250 के आसपास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है उसने रेड लिस्ट में ये स्टैंडर्ड डिसाइड करके रखे हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिसाइड करके रखे। तो इंडियन पेंगोलिन जो है इट हैज बीन लिस्टेड एज इंडेंजर्ड और चाइनीज पेंगोलिन लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत ज्यादा खतरे में है। और ये शेड्यूल 1 कैटेगरी में आता है, शेड्यूल 1 कैटेगरी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके शेड्यूल 1 में होने का क्या मतलब है कि सरकार का ये कर्तव्य है कि ऐसी इंडेंजर्ड स्पीसीज को काफी प्रोटेक्शन दी जाए, इनको बचाया जाए, ठीक है। नाउ यहां पर एक टर्म आया साइट्स, साइट्स का फुल फॉर्म क्या है और साइट्स क्या है इसको थोड़ा सा देखते हैं। साइट्स क्या है? साइट्स जो है वो बेसिकली क्या है, इट इज अ कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा और फौना, ठीक है। तो जो साइट्स है ये कंजर्वेशन का काम करती है, किसके कंजर्वेशन का काम करती है, ऐसे फ्लोरा और फौना, मतलब जीव जंतु और पशु पक्षी, जीव जंतु पौधे जितने भी ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह पर निगरानी रखने का काम साइट्स का होता है, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। 1863 में इसकी पहली बार इसको क्रिएट किए जाने का आइडिया आया था, 1963 में, और 1975 में जाकर के इसको क्या किया गया, इनैक्ट कर दिया गया, मतलब इसको लागू कर दिया गया था। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट विद एम टू इंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स डज नॉट थ्रेटेंड टू देयर सर्वाइवल। तो ये क्या इंश्योर करता है कि जो स्पीसीज हैं, प्लांट्स हैं, उनका इंटरनेशनल ट्रेड इनके सर्वाइवल को ही प्रश्न चिन्ह ना खड़ा कर दे। तो इनका जो ट्रेड होना चाहिए वो बहुत जुडिशियस होना चाहिए, इनका यूज जो है वो बहुत जुडिशियस होना चाहिए, जो इंडेंजर्ड हैं उनका इलीगल ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर निगरानी रखता है। अपेंडिक्स 1 जो है वो किस पर ध्यान रखता है, जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, जो एक्सटिंक्शन के करीब हैं, खत्म होने के करीब हैं, जैसे पेंगोलिन जो है ये इसके अपेंडिक्स 1 में है। अपेंडिक्स 1 में कौन सी, देखिए अपेंडिक्स वगैरह से क्वेश्चन यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज पूछे जा चुके हैं, ठीक है, इसलिए अपेंडिक्स कम से कम पहला अपेंडिक्स याद रखिएगा इसका। पहले अपेंडिक्स में जो थ्रेटेंड स्पीसीज विद एक्सटिंक्शन के करीब हैं, ऐसी स्पीसीज के प्रोटेक्शन जो है अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, और इनका जो ट्रेड है वो बिल्कुल परमिट नहीं किया जाता है, इनका ट्रेड बिल्कुल परमिट नहीं किया जाता है जब तक बहुत स्पेसिफिक कंडीशन या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो, ठीक है। बहुत जरूरी हो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, तभी इनको क्या हो, इनका ट्रेड होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और वो भी साइट्स की परमिशन लेने के बाद होगा। ये अपेंडिक्स 1 में है। अपेंडिक्स 2 में जो स्पीसीज थ्रेटेंड होती हैं, ठीक है, पर इनका ट्रेड कंट्रोल्ड तरीके से किया जा सकता है क्योंकि इनका अमाउंट, इनका जो संख्या है वो बहुत कम नहीं है, कि संख्या ठीक ठाक है। और अपेंडिक्स 3 में स्पीसीज दैट आर प्रोटेक्टेड एटलीस्ट 1 कंट्री में वो प्रोटेक्टेड हो, उनको अपेंडिक्स 3 में। तो इसका कम से कम आप अपेंडिक्स 1 याद रखिएगा। साइट्स जो है किस पर फोकस करता है, जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, फ्लोरा और फौना की, ठीक है, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की ऐसी जो स्पीसीज हैं जो खतरे में हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह पर निगरानी रखता है, ठीक है, याद रखिएगा ये साइट्स का काम है। तो साइट्स ने इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में। अब IUCN की रेड लिस्ट में देखें, असेसमेंट लिस्ट में देखें, ठीक है, तो जो इंडियन पेंगोलिन है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इंडियन पेंगोलिन जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और जो चाइनीज पेंगोलिन है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली मतलब बहुत ज्यादा खतरे में है, ठीक है। जायंट पेंगोलिन अफ्रीका में पाई जाती है, ये वल्नरेबल है, मतलब इनकी जो जनसंख्या है वो 10,000 से कम है, ठीक है, इनकी संख्या 10,000 से कम है, इनकी संख्या 250 और इनकी संख्या केवल 50 या उससे कम होगी, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो भारत में ये दो पाई जाती हैं, इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड में है और चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में रखी गई है, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। आइए बात करते हैं पेंगोलिन का जो ट्रेड है वो किस वजह से होता है, ठीक है। पेंगोलिन का जो ट्रेड है वो एक तो इसका जो स्केल्स होती हैं वो कैरेटिन की बनी होती हैं, कैरेटिन की बनी होती हैं, ठीक है। चाइना में ये बिलीव किया जाता है जो कैरेटिन है, ठीक है, कैरेटिन जो है वो तमाम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एफ्रोडीसियक होता है, एफ्रोडीसियक का मतलब जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए यूज की जाने वाली मेडिसिन्स हैं, जो सब्सटेंस हैं जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए यूज किए जाते हैं उनको एफ्रोडीसियक बोलते हैं। सो दिस इज अ एफ्रोडीसियक, ठीक है। ये एफ्रोडीसियक नेचर का होता है, तो इसकी वजह से चाइना में जो है इसका यूज बहुत किया जाता है। इसकी स्किन का यूज किया जाता है, ठीक है, कैरेटिन स्केल्स इनका यूज किया जाता है, इसकी स्किन का बहुत यूज किया जाता है और इसके मीट का बहुत यूज किया जाता है, ठीक है। इसका मीट वगैरह जो है वो भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जो मैमल है ये मेनली इंडेंजर्ड क्यों हुआ है, इसका बहुत ज़्यादा पोचिंग हुआ है। जैसे अगर चाइना में देखें तो चाइना में लगभग हर साल, चाइना और वियतनाम में 1 लाख से ज़्यादा इनको मारा गया है। पिछले एक डिकेड में 10 लाख से ज़्यादा जो है पेंगोलिन्स मारे जा चुके हैं, अपने स्केल्स के लिए, अपनी स्किन्स के लिए, अपने मीट के लिए, कैरेटिन के, इन सब चीज के लिए। तो पेंगोलिन्स जो हैं ये बेसिकली कहाँ पर रहते हैं, ट्रीज वगैरह में रहते हैं, बिल्कुल सीधे साधे जानवर हैं ये, ठीक है। ये लंबी सी जीभ होती है, उससे निकाल करके चींटियां जो है वो खाते हैं, ठीक है। तो एंट ईटर फैमिली का है, ठीक है। अनुज राठौर गुड इवनिंग। तो एंट ईटर फैमिली का है, मेनली एंट और टर्माइट खाते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, पेड़ों में जो होल्स हैं वहां पर बरोज वगैरह बना करके रहते हैं, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि इनकी जनसंख्या भी बहुत धीमे धीमे बढ़ती है, इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है क्योंकि दे आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ ये जो है रिप्रोडक्शन बहुत कम करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो ये जो होते हैं ये मेनली साल में एक बार मेटिंग करने के लिए निकलते हैं और उसके बाद जब एक बार बच्चा पैदा हो जाता है लगभग 2 साल तक उस बच्चे को पैदा करने में, उस बच्चे को बड़ा करने में लगाते हैं, तब तक ये मेटिंग का काम नहीं करते हैं। इस वजह से इनकी जो जनसंख्या है, पेंगोलिन की जनसंख्या जो है वो बहुत धीमे धीमे बढ़ती है, बहुत तेजी से इनकी जनसंख्या कभी भी नहीं बढ़ती है। तो एक चीज तो क्या हुआ, इनको मारा बहुत ज्यादा गया, इनमें जनसंख्या बढ़ाने का ज्यादा कोई जज्बा भी नहीं होता है ह्यूमन के जैसे कि बढ़ाए पड़े हैं, ठीक है। तो जनसंख्या बढ़ाने का इनमें कोई जज्बा भी नहीं होता है, तो एक इनका जो ये जो नेचर है इसकी वजह से भी ये खत्म हो रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ डेटा मैंने इससे रिलेटेड निकाला है, जैसे 1 लाख जो है एस्टिमेट है इसका जो हर साल ट्रैफिकिंग हुआ है चाइना और वियतनाम जैसी कंट्री में, तो 10 साल में लगभग 10 लाख से ज़्यादा इनका ट्रैफिकिंग हुआ है। सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग किए जाने वाला मैमल है। इसके अलावा इसका ये खत्म इस वजह से भी हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर ऑल द पॉसिबल कॉजेज, ठीक है, पेंगोलिन्स के खत्म होने के या पेंगोलिन्स के क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने के पॉसिबल कॉजेज क्या हैं, तो यहाँ पर 4-5 पॉइंट आपके लिए निकलते हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे तो इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन बहुत हुआ है, हैबिटेट लॉस जो है वो प्रजातियों के समाप्त होने का सबसे बड़े कारण में से एक बनता है। हैबिटेट लॉस जो है वो यहाँ पर इनका काफी हैबिटेट लॉस हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें, हाँ, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देना चाहता हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या कोरोना पीरियड में इस पर कुछ रिसर्च हुआ, ठीक है, पेंगोलिन पर कुछ रिसर्च हुआ और ये पाया गया कि जो कोरोना का स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है, कोरोना का जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन क्या होता है, कोरोना में इस तरीके के जो टेंटिकल्स होते हैं जिससे वो आपके लंग्स में चिपक जाता है, ठीक है। तो स्पाइक प्रोटीन जो है कोरोना वायरस का पेंगोलिन्स में पाया गया है और 90% सिमिलर स्पाइक प्रोटीन पाया गया है। जैसा कि कहा गया था कि कोरोना जो है वो बैट से आया, शुरू में चाइना ने हाइपोथेसाइज्ड किया, ठीक है, परिकल्पना दी कि भाई चाइना में जो बैट खाने की परंपरा है, चमगादड़ खाने की परंपरा है, उसकी वजह से आया। तो एक चीज और उसी में जोड़ दी गई कि जो कोरोना का सार्स CoV-2 वायरस जो है इसका स्पाइक प्रोटीन और इसमें जो वायरस मिला है उसका स्पाइक प्रोटीन बिल्कुल सिमिलर है। तो ऐसा भी हो सकता है, एक रिसर्चर ने ग्वांगझाऊ चाइना में यह हाइपोथेसाइज किया कि ऐसा भी हो सकता है कि जो कोरोना वायरस जो है वो इससे भी फैला हुआ हो सकता है, क्योंकि इसमें भी सिमिलर स्पाइक प्रोटीन वाले वायरस मिले हैं जो 99% जो है वो सिमिलर स्पाइक प्रोटीन वाले हैं। तो कोविड से रिलेटेड और पेंगोलिन, कोविड और पेंगोलिन का कनेक्शन आपको थोड़ा समझ में आ रहा है। ये भी कैरियर हो सकता है कोरोना वायरस का, ठीक है, सार्स कोरोना वायरस का कैरियर जो है ये भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे, चूंकि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन वगैरह में इसको यूज किया जाता है, तो वहां से भी वो वायरस वेक्टर, इस ये वेक्टर बना होगा, इसके माध्यम से वो ह्यूमन फूड चेन वगैरह में एंटर हुआ हो सकता है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस जो है ना चाइना के ग्लोबल टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वहां पर पब्लिश भी हुई थी, ठीक है। तो पेंगोलिन से रिलेटेड ये एक इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा। एक और हिस्टोरिकल डेटा मैंने निकाल के लाया हूं पेंगोलिन से रिलेटेड यहाँ पर, कि भारत में पेंगोलिन काफ़ी संख्या में पहले पाए जाते थे। तो यहाँ पर ये जो आपको एप्रन दिख रहा है, ठीक है, ये एक आर्मर है और ये गिफ्ट किया गया था जॉर्ज III को 1820 में। भारत से किसी ने इनको गिफ्ट किया था, उसका डेटा अवेलेबल नहीं है। 1820 में जॉर्ज III को, ठीक है, ब्रिटेन के किंग थे जॉर्ज III, ब्रिटिश किंग, उनको जॉर्ज III को ये आर्मर, ये पेंगोलिन के स्कैल्प से, पेंगोलिन की स्किन से बना हुआ आर्मर है, ठीक है, ये वाला। तो ये आर्मर जो है ये जॉर्ज III को गिफ्ट किया गया था, ठीक है, भारत से। इसका मतलब है कि भारत में पेंगोलिन जो है वो बड़ी मात्रा में पाए जाते थे और उनका कपड़ा बनाने में भी, मतलब इस तरीके के आर्मर्स बनाने में भी यूज किया जाता था, क्योंकि ये कैरेटिन का इनका स्केल होता था जिसमें आसानी से तलवार और एरो वगैरह एंटर होना मुश्किल होता था, तो उसकी स्किन से यहाँ पर आर्मर बनाने में भी इसका यूज किया गया होगा। तो इसका मतलब है कि इस पीरियड में भी, मेडिवल और इनिशियल पीरियड में भी, मॉडर्न इंडिया के इनिशियल पीरियड में भी, जिसको हम हिस्टोरिकली मॉडर्न इंडिया डिवाइड करते हैं, उस पीरियड में भी इसका क्या किया गया होगा, पोचिंग किया गया होगा, ये मारा गया होगा इसको बनाने के लिए। तो एक चीज ये भी याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रुप है जिसको हम ट्रैफिक बोलते हैं, ट्रैफिक ने रिकॉग्नाइज किया है, ट्रैफिक एक संस्था है, ये भी जो है ऐसे इंडेंजर्ड स्पीसीज के इलीगल ट्रेड का मॉनिटरिंग करने का काम करती है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्रैफिक जो है वो WWF, ट्रैफिक जो है इट इज अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, और ये WWF क्या है, WWF जो है ना ये दुनिया के सबसे पुराने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्ट करने वाले एनजीओज में से एक है। तो WWF और IUCN का एक स्ट्रैटेजिक अलायंस है, ठीक है, क्या, ट्रैफिक कहते हैं उसको। तो इट इज़ अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है ट्रैफिक। तो ट्रैफिक ने ये कहा है कि लगभग 159 रूट्स हैं, 159 स्मगलिंग रूट्स हैं जहां से इसका क्या किया जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है, और इस रूट्स को ये शट डाउन करेंगे, ठीक है, इस रूट्स को शट डाउन करेंगे। यहीं पर मुख्यतः निगरानी का केंद्र रखा जाएगा जिससे इसकी पोचिंग और इसका मारना कम हो, ठीक है। अब तो ये बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं, सभी जगहों पर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है, पेंगोलिन्स वगैरह। ध्यान रखिएगा, पेंगोलिन्स से भारत में पहले अगर हम देखें तो इस तरीके के आर्मर्स वगैरह भी बनाए जाते थे। तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। ट्रैफिक संस्था है जो कि ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। चलिए कुछ MCQs यहां पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, MCQs यहां पर डिस्कस करते हैं क्योंकि MCQs डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। कुछ MCQs होंगे जो कल जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था उस पर बेस्ड होंगे, ठीक है, और अब ऐसे ही करेंगे। आज जो MCQs पढ़ा है उसका कल उस पर, आज जो करंट अफेयर्स पढ़ा है उस पर कल जो है मैं आपको MCQs जनरेट करके दूंगा। 5-7 MCQs उस पर करेंगे। MCQs एक बार अब जब आप कर लेते हैं तो आपके प्रैक्टिस में शामिल हो जाता है, ठीक है, आपके प्रैक्टिस में शामिल हो जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे क्या स्टेटमेंट है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ लिथियम सल्फर बैटरीज। अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में, लिथियम आयन बैटरीज के बारे में। बीच में मैंने बोला भी था कि लिथियम आयन बैटरीज के काफी सारे ऑप्शंस भी खोजे जा रहे हैं, मतलब इनके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो उन्हीं ऑल्टरनेटिव्स में से एक है लिथियम सल्फर बैटरीज। उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरीज कहा जाता है, इनको ली-एस बैटरीज कहा जाता है, ली-एस बैटरीज। अभी तक आपने सुना नहीं होगा इसके बारे में, याद रखिएगा ली-एस बैटरीज, ली-एस बैटरीज, ठीक है, याद रखिएगा ली एस बैटरीज। तो लिथियम आयन बैटरीज क्या होती हैं और लिथियम एस बैटरीज क्या होती हैं? एस बैटरीज आर लिथियम सल्फर बैटरीज। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है? दे वर रिप्लेस्ड बाय लिथियम आयन बैटरीज। जो ली एस बैटरीज हैं, लिथियम सल्फर बैटरीज हैं, ये लिथियम आयन बैटरीज के द्वारा रिप्लेस कर दी गई हैं एज दे वर ससेप्टिबल टू ओवर हीटिंग। मतलब ये वाली बैटरीज जो है वो ओवर हीट हो जाती हैं, ओवर हीट हो जाती हैं और जल्दी से डैमेज हो जाती हैं अगर हाई वोल्टेज होता है तो। पहला स्टेटमेंट ये क्या कहा गया है कि लिथियम आयन बैटरीज ने लिथियम सल्फर बैटरी को रिप्लेस कर दिया है। क्यों रिप्लेस किया है? इस वजह से रिप्लेस किया है कि लिथियम सल्फर बैटरीज जो होती हैं ये जल्दी ओवरहीट हो जाती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं हाई वोल्टेज की वजह से। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? लिथियम सल्फर बैटरीज हैव लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज कंपेयर टू लिथियम बैटरीज। लिथियम सल्फर बैटरीज का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कम होता है लिथियम आयन बैटरीज से। यहां पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम यूपीएससी के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। यूपीएससी ऐसे ही स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाती है, पर मैं इसका जवाब आपको अभी नहीं दूंगा, ठीक है, जवाब आपको अभी नहीं दूंगा। मैंने बोला था आज की क्लास में लिथियम से रिलेटेड मैं आपका इतना नॉलेज दे दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आएगा एनर्जी सेक्टर में लिथियम से रिलेटेड, आप उसको आंख मूंद करके कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक वन लाइनर यहां पर है, दूसरा यहां पर कुछ मैं फ्रेमिंग किया है सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, जैसे व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। यहां पर आपको एमसीक्यूज, जो पीछे हमने एमसीक्यूज देखा, उसका भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मेंस में बनता है, कि टू इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी, टू इंश्योर द एनर्जी सिक्योरिटी, भारत की ऊर्जा जरूरतों को इंश्योर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में बैटरी की डिमांड को इंश्योर करने के लिए लिथियम आयन बैटरीज की मांग बढ़ती जा रही है। किस प्रकार से लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो हमारे लिए खतरनाक हैं और लिथियम आयन बैटरी के कौन कौन से ऑल्टरनेट या विकल्प प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब ऐसा मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप कैसे फ्रेम करेंगे? तो पहला क्या है ये समझना कि उसका डिसएडवांटेज क्या है, लिथियम आयन बैटरीज का जो डिसएडवांटेज है। लिथियम आयन बैटरीज क्या हैं? इनको प्रोटेक्टिव सर्किट दिया जाता है, प्रोटेक्टिव सर्किट मेंटेन करना पड़ता है, एक निश्चित वोल्टेज मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग कर जाती हैं। पीछे जो स्टेटमेंट था वो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये एक निश्चित डिसएडवांटेज क्या है, इनके लिए आपको एक निश्चित वोल्टेज वाला चार्जर चाहिए होगा। आपके सबके फोन में देखा होगा आपने, निश्चित वोल्टेज वाला जो चार्जर होता है वही आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लिथियम आयन बैटरीज को में निश्चित वोल्टेज वाला चार्जर मेंटेन करना होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज कम्स अंडर द रेगुलेटरी प्रोविजन। मतलब ये क्या है, चूंकि इसमें कोबाल्ट वगैरह यूज हुआ है, कोबाल्ट जो है लिथियम वगैरह क्या है, ये क्या होता है, ये कैसे एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव नेचर के हो सकते हैं जब ये बैटरी के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इनका बहुत ज़्यादा अमाउंट ट्रांसपोर्टेशन जो करना है उसके लिए काफ़ी रेगुलेशन वगैरह पूर्ण करने होते हैं, रेगुलेटरी जो प्रबंध किए गए हैं उनको पूर्ण करना होता है, लाइसेंस वगैरह तमाम चीज़ें होती हैं। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज इज़ कॉस्टलियर देन निकल कैडमियम बैटरीज। जो निकल कैडमियम बैटरी जो अम्यूमन सेल वगैरह हम लोग घड़ी वगैरह में यूज़ करते हैं, वॉचेस वगैरह में, निकल कैडमियम जो बैटरीज होती हैं उनसे ये ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। लिथियम आयन बैटरीज सफ़र फ्रॉम द इशू ऑफ एजिंग, ठीक है। मतलब एजिंग मतलब लंबे समय तक यूज़ होंगी पर उसके बाद ख़राब होती हैं तो इनको डिस्पोज करना मुश्किल होता है, ठीक है। और लिथियम आयन बैटरीज आर कंसीडर्ड टू बी एन इमेच्योर टेक्नोलॉजी। क्या है ये, बहुत ज़्यादा मैच्योर टेक्नोलॉजी नहीं है। क्यों मैच्योर नहीं है? क्योंकि इसका साइकिल नहीं पूरा हुआ है। साइकिल मतलब, साइकिल पूरा होने का मतलब है, ठीक है, साइकिल पूरा होने का मतलब है बैटरी आपने बनाई, मैंने आपको पीछे, जिन लोगों ने लिथियम आयन पर अभी पूरा क्लास नहीं देखा है वो उसको शुरू से थोड़ा सा देख लें, मैंने आपको एक सर्कल बताया था, ठीक है। एक अच्छी बैटरी जो है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है, जो यूरोपियन कमीशन के द्वारा वो जारी किया गया था सर्कुलर, जिसमें अच्छी बैटरी जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो जिस बैटरी का ये सर्कल पूरा होता है वही मैच्योर टेक्नोलॉजी, मतलब बैटरी बनाना ही नहीं बल्कि उसको रिसाइकल करना और उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसको रीयूज करना। तो रिसाइकल और रीयूज जो है वो लिथियम आयन बैटरी का संभव नहीं है, इस वजह से ये क्या है, इमैच्योर टेक्नोलॉजी कही जाती है। तो दीज आर द डिसएडवांटेज। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करेगी जब इसको धरती पे गाड़ दिया जाएगा, है ना। अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। अभी मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है पर इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, और क्या ऑल्टरनेटिव इसके हो सकते हैं। ठीक है, मेंस में क्या आपका क्वेश्चन मिला कि क्या ऑल्टरनेटिव्स इसके हो सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं ये भी आपसे पूछा गया कि इसके कौन से ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव पढ़ने के बाद में आपको बहुत सारे और स्कोप पता चल जाएंगे कि लिथियम आयन बैटरी के अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में दूसरी कौन सी चीजें यूज की जा सकती हैं। ठीक है, सो द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन लिथियम आयन बैटरीज इज दैट लिथियम बैटरीज फीचर अ सिंगल सेल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैं आपको बताता हूं यहां पर कौन कौन सी जो है ना जो बैटरीज हैं वो यूज होती हैं। व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। तो मेनली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में पोर्टेबल होती हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चार्जेबल, रिचार्जेबल होती हैं, पोर्टेबल होती हैं। ठीक है, सोलर पावर वगैरह से भी इनको रिचार्ज वगैरह किया जा सकता है, सोलर पैनल वगैरह से, ये इसके फायदे होते हैं। पर कुछ और बैटरीज हैं जो ऑप्शन है इसके जगह पर, ऑल्टरनेट है इसका। क्या? ग्रेफेन बैटरीज क्या होती हैं? ग्रेफेन बैटरीज may be an important alternative of lithium ion batteries। ठीक है, क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? ग्रेफेन बैटरीज जो है वो इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है। 2010 में नोबेल प्राइज भी दिया गया है ग्रेफेन बैटरीज के लिए। अब जो ग्रेफेन बैटरीज होती हैं ये जो है दीज आर न्यूली स्टेबिलाइज्ड एंड आइसोलेटेड मटीरियल से बनाए, ग्रेफेन से ये बनाई जाती हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी प्रेजेंट करती हैं लिथियम आयन बैटरी से ग्रेफेन वाली बैटरी। इसीलिए बहुत सारे, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लो भाई मैं हट जाता हूं, आपको दिखाई पड़े। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ऐसे पढ़ के आपको बता देता हूं। ठीक है, या जूम भी कर सकते हैं क्या? रुको। ठीक है, थोड़ा तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। ओके, एक होती है फ्लोराइड बैटरीज। फ्लोराइड बैटरीज हैव द पोटेंशियल टू लास्ट ए टाइम लॉन्गर देन लिथियम बैटरीज। तो फ्लोराइड बैटरीज जो हैं वो लिथियम बैटरी से 8 गुना ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ग्रेफेन बैटरीज जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी वाली होती हैं लिथियम बैटरीज से। एक बैटरी होती है सैंड बैटरी। ठीक है, सैंड बैटरी। सो ये सैंड बैटरी जो होती है, बेसिकली सैंड बैटरी सिलिका बेस्ड बैटरी होती है। ठीक है, सैंड बैटरी जो है वो सिलिका बेस्ड बैटरी होती है। ठीक है, सो दिस ऑल्टरनेटिव टाइप ऑफ लिथियम आयन बैटरी यूजेस क्या, किससे बनती है? सिलिकॉन से बनती है। 3 टाइम्स बेटर परफॉर्मर होती है लिथियम आयन बैटरी से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव लिथियम आयन बैटरी के हो सकते हैं तो ग्रेफेन बैटरी हो सकती हैं। ठीक है, फ्लोराइड बैटरी हो सकती हैं, सैंड बैटरीज हो सकती है, इससे 3 गुना ज़्यादा होती हैं। फ्लोराइड जो बैटरी होती हैं ये इससे 8 गुना ज़्यादा चल सकती हैं लंबे ड्यूरेशन। ठीक है, फिर अमोनिया पावर्ड बैटरी होती है, इसमें बेसिकली अमोनिया को यूज करके बनाया जाता है। लिथियम सल्फर बैटरी, जिस पर मैंने अभी एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, लिथियम सल्फर बैटरी, यहां से आपको पता चल जाएगा कि लिथियम सल्फर बैटरी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी डेवलप की गई हैं और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल रिचार्जेबल बैटरीज मानी जाती है, लिथियम सल्फर बैटरीज। तो आप एक चीज़ ध्यान कर लीजिएंगे कि आने वाले टाइम में लिथियम ऑयल बैटरी के जगह पर लिथियम जो सल्फर बैटरीज हैं उनका यूज़ बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि सल्फर जो होता है वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है। लिथियम के साथ में कोबाल्ट यूज़ किया जाता है लिथियम आयन बैटरी में, और लिथियम सल्फर बैटरी में लिथियम के साथ में सल्फर यूज़ किया जाता है। तो सल्फर जो है वो कोबाल्ट से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसकी वजह से लिथियम सल्फर बैटरीज जो होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रिचार्जेबल बैटरीज में से आती हैं लिथियम सल्फर बैटरी। ठीक है, और ये 4 गुना बेहतर परफॉर्मेंस देती हैं उस बैटरी से। इसके अलावा रिसर्चर्स ने माना है कि लिथियम सल्फर बैटरीज आर लाइटर एंड चीपर देन वाइडली यूज लिथियम आयन बैटरीज एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड कॉस्ट इफेक्टिव इन एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान कर लीजिएगा, लिथियम जितनी भी बैटरीज हैं इसमें जो सबसे ज्यादा बेहतर है वो लिथियम सल्फर बैटरी है। ठीक है, बात समझ गए? तो लिथियम सल्फर बैटरी जो है वो सबसे बेहतर, सबसे पावरफुल, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे कम पैसे में प्रोड्यूस हो जाने वाली, सबसे अच्छी रिचार्जेबल बैटरीज में आती है। ठीक है, फिर कार्बन नैनोट्यूब वाली बैटरी होती है, ये काफ़ी अभी नेसेंट स्टेज में है, ये अभी तक डेवलप नहीं हो पाई है, लेबोरेटरी लेवल पर ही इसका कुछ डेवलपमेंट हुआ है। कोबाल्ट फ्री बैटरीज जो हैं वो है, इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं जानेंगे। मेनली आप याद रखिएगा किसके बारे में, लिथियम सल्फर बैटरी के बारे में, क्योंकि भारत में ये नई टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी आने वाली है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकते आते हैं एमसीक्यूज पर। ठीक है, हमने क्या एमसीक्यूज में क्या था, एमसीक्यूज में था कि भाई दे वर रिप्लेस्ड बाय लिथियम आयन बैटरीज, नहीं, लिथियम आयन बैटरीज जो है वो रिप्लेस होंगी लिथियम सल्फर बैटरी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, लिथियम सल्फर बैटरी के द्वारा रिप्लेस की जाएंगी लिथियम आयन बैटरीज, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ओवरहीटिंग की वजह से लिथियम आयन बैटरी खराब होती है, जल्दी ओवरहीट करती है, आपके फोन वगैरह भी जल्दी ओवरहीट हो जाते होंगे, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाता है। लिथियम सल्फर बैटरीज हैज लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द लिथियम बैटरीज, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ओनली बी इज राइट। अब ये दोनों बैटरीज आप याद रखिएगा, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम सल्फर बैटरी, फ्यूचर जो है वो लिथियम सल्फर बैटरी का है। मोनिका आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ओनली टू। ठीक है, ओनली टू इज राइट आंसर। ठीक है, ओनली टू, वेरी गुड। ठीक है, तो डिफरेंस आप समझ गए लिथियम आयन बैटरी का, लिथियम सल्फर बैटरी का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी मिलने वाला है, बहुत बड़े अमाउंट में मिलेगा, मेंस में भी मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा, क्योंकि पूरा जो पॉलिसी शिफ्ट है ना वो लिथियम की तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि टेस्ला भी भारतीय मार्केट में आने वाली है, तो उससे देखिएगा डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऑल्टरनेट बैटरीज के मैंने कुछ ऑप्शन आपको बता दिए, और सबसे अच्छा ऑल्टरनेट जो है वो लिथियम आयन बैटरी का हो सकता है लिथियम सल्फर बैटरीज, इससे ज़्यादा पावरफुल होती हैं, ओवरहीटिंग नहीं होती है, कम वोल्टेज में चार्ज हो जाती हैं, कम पैसे में प्रोड्यूस हो जाती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, और इनका ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा अच्छा बैठता है। इसीलिए यूरोपियन कमीशन ने भी इनको ज़्यादा बेटर बैटरी के रूप में कैटेगराइज किया है, ग्रीन बैटरी के रूप में कैटेगराइज किया है, क्योंकि इसको रिसाइकल भी किया जा सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांसफैट। ट्रांसफैट पर मैंने कल पूरा लेक्चर बताया था आपको, कौन कौन से फैट के टाइप होते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ट्रांस फैट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ट्रांस फैट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद एफएसएसआई ने ट्रांस फैटी एसिड को फूड आइटम में 2%, 5% से रिड्यूस करके 2% तक लाने के टारगेट डिसाइड कर दिए हैं। ठीक है, और एफएसएसआई का ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करने जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, कल जिन लोगों ने नहीं देखा है आज की क्लास, वो कल की क्लास ज़रूर देख लें। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नाउ व्हाट इज ट्रांस फैट। ठीक है, मैंने कल ट्रांसफैट पर पूरा लेक्चर लिया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो कल जाके देख लें, कितने टाइप के फैट होते हैं, कौन सा फैट सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है, और हेल्थ इंपैक्ट क्या होते हैं इन फैट्स के, ये जरूर जा करके देख लीजिए। ठीक है, कल की जो 5 जनवरी की है उस क्लास में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, नाउ ट्रांस फैट इज अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। स्टेटमेंट क्या है, ट्रांस फैट इज अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है। ट्रांस फैट ऑल्सो अकर नेचुरली, नेचुरली भी पाया जाता है ट्रांस फैट, और ट्रांस फैट गिव फूड टू डिजायरेबल टेस्ट एंड टेक्सचर, ठीक है। देयर आर थ्री स्टेटमेंट, अगर जिन्होंने कल की क्लास की होगी वो बहुत जल्दी, हाँ जी बिल्कुल, डेली क्लासेस होती हैं हर दिन का, जैसे आज 6 तारीख का करंट अफेयर डिस्कस किया, कल 7 तारीख का डिस्कस होगा करंट अफेयर, कुछ एमसीक्यूज, ये सब डिस्कस होंगे। बहुत जल्दी मैं एमसीक्यूज की अलग क्लास कर दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर आपका 1.5 घंटे चलेगा, उसके अलावा लगभग 1 घंटे के आसपास आपके एमसीक्यूज चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ट्रांस फैट इज अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, कल मैंने पढ़ाया था, यस, ट्रांस फैट जो है वो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। ट्रांस फैट ऑल्सो अकर नेचुरली, हाँ जी नेचुरली भी पाए जाते हैं, फूड वगैरह में पाया जाएगा, फ्रूट में, वेजिटेबल्स में पाया जाएगा, नेचुरली भी ट्रांस फैट जो है वो पाया जाता है, ठीक है। ललित गुड इवनिंग, ठीक है। ट्रांस फैट एक अनसैचुरेटेड फैट होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड होने का और जगह होती है। अनसैचुरेटेड, सैचुरेट मतलब एकदम भर गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। पर इसमें क्या है, ट्रांस फैट में और भी हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड हो सकते हैं। अब जैसे जो खाने का तेल होता है, रिफाइन वगैरह होता है, एक बार आपने उसको गर्म किया, ठीक है, समोसा तला उसमें और उसके बाद वो ठंडा हो गया, फिर से उसको गर्म किया, जब आप उसको दोबारा गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, और हाइड्रोजनाइजेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजनाइजेशन, हाइड्रोजन ऐड हो गया उसमें, ठीक है। तो ट्रांस फैट अनसैचुरेटेड फैट होता है, दिस इज राइट स्टेटमेंट। ट्रांस फैट ऑल्सो अकर नेचुरली, यस, ट्रांस फैट जो है वो क्या है, नेचुरली अकर करता है, फ्रूट्स में भी है, वेजिटेबल्स में भी है। और ट्रांस फैट गिव फूड अ डिजायरेबल टेस्ट एंड टेक्सचर। बहुत सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट यूज करती हैं क्योंकि ये गाढ़ा होता है, थिक होता है, और ये फूड के टेस्ट को जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, फूड के टेस्ट को इंक्रीज करता है। जैसे KFC वगैरह में जो फ्राइड चिकन वगैरह दिया जाता है उसमें ट्रांस फैट होता है, ठीक है। ट्रांस फैट जो है वैसे तो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये ज्यादा अमाउंट में ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। कल की क्लास आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ट्रांस फैट से, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है वो यहां पर राइट है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। इंग्लिश कैसे इंप्रूव करे बेटा, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश जो है वो कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के 4 पिलर होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ठीक है। स्पीकिंग आती है लिसनिंग से, जैसे जब बच्चा छोटा होता है, नितेश आपका क्वेश्चन है ना नितेश, तो सुरेंद्र नमस्ते, नितेश अगर आप ऑनलाइन हैं तो बात समझ लीजिए कि जो लिसनिंग है, लिसनिंग जितना बेहतर आप करेंगे, जितना इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश समाचार वगैरह सुनिए, किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुनिए, बेहतर स्पीकर्स को सुनिए, तो जितना ज़्यादा आप लिसनिंग करेंगे आपका स्पीकिंग डेवलप होगा, ठीक है। तो कोई बच्चा क्या करता है, पहले सुनता है, उसको बोलना स्टार्ट करता है, तो नेचुरली आपको कोई लैंग्वेज तभी आएगी जब आप उसको पहले सुनना स्टार्ट करेंगे। समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सुनते रहो, ठीक है, सुनते रहो। एक बच्चा उसको सुनता रहता है, फिर उसको रिपीट करना स्टार्ट करता है, स्पीकिंग डेवलप होता है। तो स्पीकिंग कम्स फ्रॉम लिसनिंग, ठीक है। और एक अच्छा लिसनर होना एक बहुत अच्छी बात होती है। और राइटिंग कम्स फ्रॉम रीडिंग, रीडिंग से राइटिंग आती है, ठीक है। तो ये 4 पिलर पर आपको काम करना होगा, ठीक है। ये 4 पिलर पर, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इन 4 पिलर पे आपको काम करना होगा। जब आप इन पिलर्स पर काम करेंगे, ठीक है, तो आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये भी कल मैंने आपको बताया था। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो कल की क्लास देखेंगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा कि इट इज होस्टेड एंड फंडेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इट मॉनिटर्स एंड मेक्स रिकमेंडेशन अबाउट द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, इट इज होस्टेड एंड फंडेड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, नहीं, ये G20 के द्वारा होस्टेड और फंडेड है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ये G20 के द्वारा होस्टेड एंड फंडेड है। और यस, ये मॉनिटर करता है, रिकमेंडेशन देता है अबाउट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर, ये अपने रिकमेंडेशन वगैरह देता है। तो ओनली टू इज राइट स्टेटमेंट, ये कल के करंट अफेयर से क्वेश्चन रहा है। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल जो है वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन, ये मैंने कल पढ़ाया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि कोविड वगैरह की वैक्सीन वगैरह आ रही है, ये सारी चीजें जो हैं इसकी वजह से ये जो ऑफिस है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल का जो ऑफिस है ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, दोनों के किसी के नहीं। ठीक है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन है अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? तो VG सोमानी, VG सोमानी जो है वो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंटली है। ठीक है, VG सोमानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अक्रॉस, कल ये करंट अफेयर मैंने पढ़ाया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली डिस्क्राइब अबाउट अक्रॉस स्कीम, अक्रॉस स्कीम के बारे में कौन सा सही है? प्रोवाइड अ रिलायबल वेदर एंड क्लाइमेट फोरकास्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलप हाई रेजोल्यूशन मॉडल फॉर ओशन फोरकास्ट एनालिसिस सिस्टम, इंप्रूव सीजनल एंड इंट्रा सीजनल मॉनसून फोरकास्ट, ऑल द अबव। ठीक है, अक्रॉस के बारे में कल मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है। अक्रॉस जो है वो क्लाइमेट वेदर फोरकास्ट के बारे में है, ओशियन फोरकास्ट के बारे में है और पूरा सीजनल मॉनसूनल फोरकास्ट के बारे में है। तो ऑल द अबव आर राइट अबाउट द अक्रॉस स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्रॉस स्कीम से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ व्हाट इज रिप्लेस कैंपेन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। रिप्लेस कैंपेन कल ही बताया था, रिप्लेस कैंपेन क्या है? रिप्लेस का मतलब है रिप्लेस ऑल पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बाय 2030, इसके बारे में है रिप्लेस। रिप्लेस अ कूलिंग सिस्टम इन गवर्नमेंट बिल्डिंग विद एनर्जी एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम, प्रोवाइड प्रोटीन रिच फूड टू चिल्ड्रेन इन गवर्नमेंट स्कूल, और एलिमिनेट इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैटी एसिड फ्रॉम द ग्लोबल फूड। तो रिप्लेसमेंट कल पढ़ाया था, ये WHO का एक कैंपेन है जिसमें WHO ट्रांस फैटी एसिड को रिमूव करने के बारे में कह रहा है। 2020-2022 तक जितना भी फूड आइटम है उसमें 2% से कम हो जाना चाहिए ट्रांस फैटी एसिड। तो रिप्लेस ट्रांस फैटी एसिड से रिलेटेड कैंपेन है, इसके बारे में मैंने कल पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। कल रिंकू, आप कल की क्लास अगर नहीं अटेंड कर पाए हैं तो कल का वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, वीडियो पड़ा हुआ है, आप वीडियो जाकर के फिर से देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। UPSC अगर आप टारगेट कर रहे हैं या स्टेट PCS, तो इस तरीके की जो स्कीम्स वगैरह हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू सो मच।